टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टाइफॉइड और एंट्रिक फीवर. यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं एंट्रिक फीवर. कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका लिटरल मीनिंग भी हमें पता होना चाहिए. एंट्रिक फीवर, एंटीरोन का मतलब गट, दैट इज इंटेस्टीन. तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंट्रिक फीवर एंटीरोन से लिया गया है, तो इसी को हम लोग कहते हैं गट फीवर या इंटेस्टाइनल फीवर. इसका मतलब जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम लोग फीको ओरल रूट से अपने गट में ले लेंगे. फिर वो इंटेस्टीन में जाएगा, वहां पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पहले लोकल इन्फ्लेमेशन, फिर यही आपका बैक्टीरिया बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं सेप्टिसीमिया, और जनरलाइज फीचर भी आएंगे, है ना. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एंट्रिक फीवर. तो यहाँ पे हम लोग सिंपल कह सकते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टीन. एक बार इंटेस्टीन का इन्फ्लेमेशन हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया ब्लड में रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बाकी जनरल सिम्टम आएंगे. एंट्रिक फीवर इज बेटर टर्म एज कम्पेयर टू टाइफॉइड, क्योंकि एंट्रिक फीवर एक आपका ग्रॉस टर्म है और आपका ब्रॉड टर्म है जो टाइफॉइड और पैरा टाइफॉइड फीवर दोनों को कवर करता है. ठीक है, टाइफॉइड इज ऑल्सो एंट्रिक फीवर, लेकिन एंट्रिक फीवर आपका पैरा टाइफॉइड फीवर भी हो सकता है. इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, एंट्रिक फीवर जिसको हम लोग टाइफॉइड बोल देते हैं, लेकिन ये आपका टाइफॉइड फीवर हो सकता है. और एक इसका थोड़ा सा कम सीवियर फॉर्म होता है, जिसको आप कहते हो पैरा टाइफॉइड फीवर. पैरा टाइफॉइड फीवर. सो सिंपल, टाइफॉइड फीवर की बात किया जाए तो इसके लिए भी साल्मोनेला रिस्पॉन्सिबल है. साल्मोनेला जिसको हम लोग कहते हैं टाइफी, जो इसकी स्पेसीज है, दैट इज साल्मोनेला टाइफी. यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है, साल्मोनेला पैरा टाइफी. टू सिंपल, ये पैरा टाइफी ए एंड बी टाइप के दो टाइप के होते हैं. ये दोनों आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. ग्राम जैसे इकोलाई होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसी टाइप से ये भी आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. अब अगर यहाँ पे बात किया जाए कैसे फैलते हैं ये, फीको ओरल रूट से. अब फीको ओरल रूट की बात करते हैं, मतलब फीसेस से ओरल रूट पे. फीसेस कंटामिनेट करेंगी आपके फूड और वाटर को. तो यहाँ पे आया कहाँ से ये वाटर में? फीसेस के थ्रू. किसके फीसेस के थ्रू? जो पेशेंट है उनके और जो कैरियर है उनके. तो कुछ लोग टाइफॉइड के कैरियर रहते हैं. अगर ये कैरियर्स आपके फूड हैंडलर्स हो, मेस में काम करें, आपको टिफिन प्रोवाइड करें, तो ज्यादातर चांस है कि इनके थ्रू आपको टाइफॉइड हो सकता है. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रूट फीको ओरल ट्रांसमिशन. राइट, मतलब फीसेस से आपके फीको ओरल ट्रांसमिशन. वेरी सिंपल है ना. तो हम लोग इसको कह सकते हैं फीकल ओरल रूट. अब देखिए, जो लोग कैरियर होते हैं, टाइफॉइड कैरियर्स से बैक्टीरिया उनके फीसेस से, स्टूल से, बॉडी से बाहर गया, और ये कंटामिनेट किसको करेगा? कंटामिनेट्स फूड या वाटर. और इंसान फूड और वाटर कैसे इंजेस्ट करेगा? ओरल रूट से. वी इंजेस्ट दिस कंटामिनेटेड स्टफ ओरली, है ना. और फिर ये आपके जो बैक्टीरिया हैं इंटेस्टीन तक पहुंचेंगे. बैक्टीरिया रीच इंटेस्टीन और इसके बाद यहीं पे कॉज इन्फ्लेमेशन. इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं देयरफॉर नोन एज एंट्रिक फीवर. तो एंट्रिक फीवर आपका ब्रॉड टर्म है और ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी है. एंटीरोन मतलब गट,
मतलब गट का फीवर है, राइट। और गट का प्राइमरीली इंफ्लेमेशन भी हो रहा है। आगे चल के ये बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अगर ब्लड में डिस्पर्स हो जाएंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। फिर से देख लेते हैं, बहुत थोड़ा सा ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो बेसिकली इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, और जो पॉजिटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया है। और यहाँ पे दो टाइप के स्पेसीज हैं, साल्मोनेला टाइफी, वो आपका टाइफॉइड फीवर कराएगा, और पैराटाइफॉइड, कम सीवियर होता है पैराटाइफॉइड, वो आपका साल्मोनेला पैराटाइफी ए एन बी से। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये बैक्टीरिया से एक वायरस है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीको ओरल रूट है। तो टाइफॉइड कैरियर्स जो होते हैं वो सेड करते रहते हैं इन बैक्टीरिया को अपने स्टूल्स में। तो अगर ये कहीं पे भी हम लोग मान लीजिए बाहर का कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, कोई भी फास्ट फूड खाते हैं, और वहां पे उसको प्रिपेयर किया गया है कंटामिनेटेड वाटर से, तो कुल मिला के अगर कंटामिनेटेड वाटर डायरेक्ट पी लें या उससे एसोसिएटेड कोई भी हम लोग फूड का इनटेक करें, तो उससे ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टीन तक जाएगा और वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। कैसे इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, फिर कैसे ब्लड तक पहुंचेगा और क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, ये सब बाद में देखेंगे। जब भी किसी डिजीज की बात करते हैं तो हम लोग एक टर्म की बात करते हैं, इनक्यूबेशन पीरियड। इनक्यूबेशन पीरियड का ये मतलब है ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया और कब से फीवर आने लगा। यहाँ पे जो जनरल सिम्टम स्टार्ट होगा वो फीवर से ही होगा, तो कब से फीवर आने लगा इसी को हम लोग कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पे इनक्यूबेशन पीरियड आपका 10 to 14 days होता है। एक लाइन लिख लेते हैं इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में, आईपी, दैट इज इनक्यूबेशन पीरियड। जब बैक्टीरिया आपकी बॉडी में पहुंचा, बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, उसके बाद कितने दिन में आपको सिम्टम आने लगे, किस चीज के सिम्टम। हम लोग टाइफॉइड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जो सिम्टम आता है ज्यादातर पहला सिम्टम फीवर होता है। तो इनक्यूबेशन पीरियड अगर टाइफॉइड की बात करें तो हम लोग कहते हैं 10 to 14 days, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो करीब 2 हफ्ता लग जाता है, है ना। तो यहाँ पे इनक्यूबेशन पीरियड आपका 10 to 14 days है। अब यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा कैरियर की बात की है, तो कुछ लोग टाइफॉइड के कैरियर होते हैं, ठीक है, ये कैरी करते हैं इस बैक्टीरिया को। कहाँ पे कैरी करते हैं, इनके गॉल ब्लैडर में रिसाइड करता है, गॉल ब्लैडर में छुप के बैठ जाता है ये बैक्टीरिया, ठीक है, और बीच बीच में सेड होता रहता है। क्योंकि क्लिनिकली ऐसे लोगों को डिजीज नहीं होती है, क्लिनिकली ये लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, तो ये कोई ट्रीटमेंट भी नहीं लेते, तो ये उनकी बॉडी में लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करता है और गॉल ब्लैडर से धीरे धीरे इंटेस्टीन में रिलीज होगा, इंटेस्टीन से स्टूल में रिलीज होगा, और ये कंटामिनेट करते रहते हैं चीजों को। खासकर अगर ये लोग फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फूड हैंडलर्स हैं, तो ये लोग ज्यादा फैला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग टाइफॉइड कैरियर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टाइफॉइड कैरियर्स, दे डू नॉट सफर फ्रॉम क्लिनिकल डिजीज। डिजीज से सफर कर लेते तो आप इनको टाइफॉइड की ड्रग दे देते और ये बैक्टीरिया बिल्कुल क्लियर हो जाता। ये आपके मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहते हैं, मोस्टली रिमेन, अपनी अपनी इम्यूनिटी है, अपनी अपनी ससेप्टिबिलिटी है, मोस्टली रिमेन एसिम्टोमेटिक, ठीक है। लेकिन इनका क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर होता है वो रिजर्वायर का काम करता है, तो इनसे बैक्टीरिया फुली क्लियर नहीं होता कभी, धीरे धीरे क्लियर करते रहते हैं और बैक्टीरिया ग्रो भी करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना रहता है, बैक्टीरिया कभी भी कंप्लीटली बॉडी से वाइप आउट नहीं होता है। तो इनका जो गॉल ब्लैडर होता है, देयर गॉल ब्लैडर सर्व्स एज रिजर्वायर्स, है ना, मतलब स्टोर करता रहता है, रिजर्वायर फॉर साल्मोनेला। और यहां से गॉल ब्लैडर से ये लोग रिलीज करेंगे इंटेस्टीन में, इंटेस्टीन से ये आपका कहां पे पहुंच जाएगा, स्टूल में, इंटेस्टीन में रिलीज होते रहते हैं बैक्टीरिया, फिर बैक्टीरिया इन स्टूल्स, और फिर इससे आगे चल के कंटामिनेशन होगा। अब देखिए ये
दिखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन हम लोग बार बार गॉल ब्लैडर को हाईलाइट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम समझ जाएं, हम जान पाएं कि कोई कैरियर स्टेट का है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी ड्रग दें जो गॉल ब्लैडर या जो लीवर से एक्सक्रीट हो, गॉल ब्लैडर से होते हुए जाए और इन जो रिजर्वायर स्टेट में आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन्हें किल करें, है ना। जो आपके ड्रग्स होते हैं वो दो मैकेनिज्म से बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं या मेटाबोलाइज होते हैं, कुछ लीवर के थ्रू, आपके बाइल जो उसमें मतलब बिलीरी एक्सक्रीशन होता है, कुछ का रीनल होता है। तो वही ड्रग आपके रिजर्वायर स्टेट को ठीक कर सकते हैं जिनका लीवर के थ्रू एक्सक्रीशन हो। लीवर के थ्रू कोई भी चीज एक्सक्रीट होगी तो जाहिर सी बात है गॉल ब्लैडर के पास जाएगी, फिर गॉल ब्लैडर में जो बैक्टीरिया होंगे उनको किल करते हुए वो ड्रग बाहर निकल जाएगी, है ना। चलिए, ये इतना बिल्कुल बेसिक रहा कि कितना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्या आपका पॉजिटिव एजेंट है और किस तरीके से ये फैलता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे पैथोजेनेसिस बस दो चार लाइन में लिख लेते हैं, उससे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, आइए पैथोजेनेसिस की बात करें। पैथोजेनेसिस, कैसे ये पैथोजन गया और कैसे ये डिजीज करेगा, तो हम लोग यही कहते हैं बैक्टीरिया इन कंटामिनेटेड फूड वाटर कहीं पे भी, कौन सा बैक्टीरिया है लिख लेते हैं, साल्मोनेला टाइफी, पैरा टाइफी भी हो सकता है लेकिन हम लोग साल्मोनेला टाइफी को लेके चल रहे हैं। तो अगर फूड और वाटर में है तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, ये आपका पहुंचा रीचेस, बैक्टीरिया रीचेस इंटेस्टीन। इंटेस्टीन में पहुंचने के बाद इन्होंने दो तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट की, जहां पे भी बैक्टीरिया जाएगा वहां पे बॉडी उससे रिएक्ट करेगी, है ना। तो बैक्टीरिया विल बिहेव लाइक एन एंटीजन, उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, राइट। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, वहां पे टिश्यू डैमेज होगा, नेक्रोसिस वगैरह होगा, है ना। तो कभी कभी ये दो तरीके से प्रेजेंट करता है, इंटेस्टीन में गया तो उसके बाद डिवाइड्स इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, डिवाइड्स इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और अपना नंबर बढ़ा लेगा और फिर डीपर स्ट्रक्चर्स में भी जाने लगेगा म्यूकोसा। यहां से हम लोग एक चीज ये कर लेते हैं, इधर ले आते हैं और यहाँ पे रीचेस पेयर्स पैचेस। अब आप लोग सोच रहे होंगे पेयर्स पैचेस क्या होता है, जैसे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं बाहर, उसी टाइप से जो आपका इंटेस्टाइन का लिम्फोइड टिश्यू होता है वो आपका पेयर्स पैचेस होते हैं, लिख लेते हैं दैट इज लिम्फोइड टिश्यू ऑफ इंटेस्टीन, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज लिम्फोइड टिश्यू ऑफ इंटेस्टीन। तो यहाँ पे इसकी वजह से फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस। अभी एक डायग्राम भी बनाएंगे, ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये हो गया कि यहाँ पे आपका डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या हो गया, एपिथीलियम एंड म्यूकोसा। इसके बाद आगे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज जिसकी वजह से मे लीड टू नेक्रोसिस, मे लीड टू नेक्रोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, मे लीड टू नेक्रोसिस ऑफ इंटेस्टीन। अगर इंटेस्टीन की नेक्रोसिस हो जाएगी तो आगे चल के हो सकता है इंटेस्टीन रप्चर कर जाए, है ना। एक तरीके से पेन एब्डोमेन तो होगा ही, एक्यूट एब्डोमेन जैसा ये प्रेजेंट करे कि बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो और आपके इंटेस्टाइन परफोरेट कर जाए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अब यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है आगे चल के, तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल परफोरेशन मे हैपन। अगर इंटेस्टाइन परफोरेट हो गई तो इंटेस्टाइनल कंटेंट बाहर निकल जाएंगे, जैसे गैस्ट्रिक जूस है, बाइल जूस है और आपका
इंटेस्टाइनल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, यहाँ पे ढेर सारे एंजाइम्स होंगे, बाइल वगैरह होगा, एससीएल होगा, जो आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के लिए टॉक्सिक होगा, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाती है ना, मे लीड टू पेरिटोनाइटिस। अब ये पेरिटोनाइटिस आपकी और इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ये आपका एक तरीके से मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी है। तो टाइफॉइड इतनी सिंपल चीज नहीं है कि एक हफ्ता दो हफ्ता फीवर आएगा और आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इसके। अब देखिए यहाँ पे आगे चल के हम लोगों को साइन एंड सिम्टम और क्लिनिकल फीचर पढ़ना है, तो इसी पैथोजेंसी से रिलेट करते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पेयर्स पैचेस है, ये आपकी इंटेस्टीन है इस तरीके से, और यहाँ पे इंटेस्टीन की मैं वॉल बना दे रहा हूं समथिंग लाइक दिस, ये इंटेस्टीन का ल्यूमेन है, स्पेस है। यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं पेयर्स पैचेस को ब्लैक से बनाऊं, मान लीजिए लिम्फोइड टिश्यू है ना, इसको हम कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू या पेयर्स पैचेस, लिम्फोइड टिश्यू ऑफ इंटेस्टीन दैट इज पेयर्स पैचेस। अगर ये इन्फ्लेम्ड हो जाए, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और इसका भी इन्फ्लेमेशन हो गया, बड़े बड़े पेयर्स पैचेस हो गए यहाँ पे, ठीक है, इसकी वजह से ल्यूमेन आपका नैरो हो जाएगा। ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो फूड नीचे कैसे जाएगा, मान लीजिए यहाँ से फूड आ रहा था तो नीचे नहीं आ पाएगा, इसी वजह से ये आपके थोड़ा बहुत आपके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसा प्रेजेंट करते हैं। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो फूड को पास होने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए जो लोग टाइफॉइड के पेशेंट्स होते हैं उनमें अक्सर ऑल्टर्ड बॉवल हैबिट मिलता है, पेन एब्डोमेन मिलेगा, कभी डायरिया मिलेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, लेकिन ये फेनोमेना आपको ज्यादा मिलता है, पेयर्स पैचेस आपके इनफ्लेम्ड होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा तो जाहिर सी बात है स्टूल मुश्किल से पास करेगा पेशेंट, इसीलिए जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है फीवर के अलावा वो ऐसे पेशेंट में होता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, लिख लेते हैं। देयरफॉर कॉन्स्टिपेशन है ना, मतलब स्टूल रुक रुक के पास होंगे, पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल्स। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है म्यूकोसा का और पेयर्स पैचेस का भी, तो जाहिर सी बात है पेन एब्डोमेन होगा, पेशेंट को एब्डोमेन में काफी दर्द होगा, मतलब इंटेस्टीन आपकी इन्फ्लेम्ड है तो फीवर वगैरह तो आएगा ही, बॉडी में इन्फेक्शन होगा। उसके अलावा जिस पर्टिकुलर ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हुआ है वहां से कुछ लोकल साइन एंड सिम्टम आएंगे, तो यहाँ से आप लोग रियलाइज कर सकते हो पेन एब्डोमेन आएगा, और इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन टाइप से माइल्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगा। इतना कुछ हो रहा है यहाँ पे, नेक्रोसिस हो रही है, इतना इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पे पर्टिकुलरली सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, तो सिक्रीशंस कहाँ के बढ़ रहे हैं, इंटेस्टीन के सिक्रीशन बढ़ रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है आपका बाइल जूस बढ़ जाता है, पैनक्रियाटिक जूस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो काफी कभी कभी लिक्विड पास होता है और ग्रीनिश पास होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरिया भी मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी मिल सकता है, इसी को हम लोग कहते हैं पी सूप स्टूल्स, ठीक है, ग्रीनिश स्टूल्स, लूज स्टूल भी पास कर सकता है, लिख लेते हैं। ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस मे इंक्रीज leading to क्या, loose stools, बिल्कुल हो सकते हैं secretions ज्यादा होंगे तो loose stools, तो यहाँ पे जो characteristically रहेंगे, characteristically जो आपके stools होते हैं इनको हम लोग कहते हैं pea soup stools, आप लोगों ने pea soup देखा होगा, pea soup stools, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि loose and greenish in color, because loose and greenish in color,
बस इतनी ही पैथोफिजियोलॉजी मुझे पढ़ानी थी, और इससे आगे चल के सारे साइन एंड सिम्टम्स और आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस भी। मान लो किसी का बॉवल परफोरेट हो गया, है ना, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेन एब्डोमेन हो गया, सब कुछ आप इतने से एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। तो काम भर के क्लिनिकल फीचर्स हम लोग इसी पैथोजेनेसिस से डिराइव कर लेंगे। आइए फिर से देखते हैं, ठीक है? चलिए, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी है बताने के लिए, तो वंस वी आर डन विद पैथोजेनेसिस हम लोग उस पे आएंगे। तो पैथोजेनेसिस की बात किया जाए तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से साल्मोनेला टाइफी हमारी बॉडी में गया। जब हम लोग ओरल रूट से कोई भी चीज इंजेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके इंटेस्टीन तक पहुंचेगा। इंटेस्टीन तक ये पहुंचा और ये इंटेस्टिनल एपिथीलियम और म्यूकोसा को इन्वेड करेगा। अब अगर और डीप चला गया, मतलब पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस का मतलब है लिम्फोइड टिश्यू, जैसे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, उसी तरीके से बॉवेल का भी अपना लिम्फेटिक टिश्यू होता है जो लोकल इन्फेक्शन से फाइट करता है। लेकिन इसने क्या किया, लिम्फेटिक को भी इन्वेड कर लिया और वहां पे भी डिवाइड कर रहा है और वहां पे भी इन्फ्लेमेशन करा रहा है। यहाँ इन्फ्लेमेशन कराने से आप देख पा रहे होगे इंटेस्टीन का ल्यूमेन नैरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका माइल्ड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसा प्रेजेंट करेगा। तो जब भी ऑब्स्ट्रक्शन जैसा कुछ प्रेजेंट करेगा तो ये आपका पेशेंट पेन बता सकता है और कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक एस्पेक्ट तो ये हो गया, दूसरे एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। म्यूकोसा का इतना इन्फ्लेमेशन हुआ कि वहां पे टिश्यू डैमेज होने लगा और ये डैमेज आपका बढ़ता गया, आपका पूरी तरीके से ट्रांसम्यूरल ऑल लेयर ऑफ इंटेस्टीन इन्वॉल्व हो गए, जिसकी वजह से वहां सेल्यूलर डैमेज हुआ, इंटेस्टिनल सेल का डैमेज हुआ और आगे चल के सारे लेयर्स आपके डैमेज हो गए और इंटेस्टीन फट गई, परफोरेट कर गई, जिसकी वजह से इंटेस्टिनल कंटेंट आपके बाहर निकलने लगे। पेशेंट में फ्लूइड लॉस होगा, शॉक में जा सकता है, पेरिटोनियम के लिए काफी चीजें टॉक्सिक होती हैं जो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होती हैं, तो आगे चल के पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन होगा, हम लोग कहते हैं पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम इन्फ्लेमेशन। आप लोगों को पता है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जो कैविटी होती है दैट इज पेरिटोनियल कैविटी, कभी कभी वहां पे वाटर भर जाता है तो हम लोग कहते हैं एसाइटिस हो गया है पेशेंट को। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी टफ था। जब यहाँ पे इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशन होता है तो इंटेस्टाइनल जूसेस कभी कभी बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्टूल में ये वाटर का लॉस ज्यादा होगा, तो अब यहाँ पे लूज स्टूल भी हो सकते हैं। इसीलिए जब हम लोग टाइफॉइड पढ़ते हैं तो हम ये नहीं कहते डायरिया हो रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम लोग कहते हैं डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट्स, है ना, मोस्टली आपका कॉन्स्टिपेशन होता है और कभी कभी आपका इंटेस्टाइनल सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो सिक्रीशन बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है वाटर ही सिक्रीट होता होगा, तो इसकी वजह से स्टूल्स लूज होंगे, तो लूज स्टूल्स भी हो सकते हैं। अक्सर इन्हीं को फैंसी नाम दे देते हैं पी सूप स्टूल्स, क्योंकि ये लूज और ग्रीनिश इन कलर होते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं। जितना कुछ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसी से सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत आज टाइफॉइड पढ़ा हुआ है इतने से ही हम लोग क्लिनिकल फीचर एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। आइए देखते हैं, क्लिनिकल फीचर में हम लोग कहते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जो डॉक्टर देखते हैं वो साइन होता है, जो पेशेंट बताता है वो सिम्टम होते हैं उसके। आइए देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एंट्रिक फीवर, जानबूझ के एंट्रिक फीवर वर्ड यूज कर रहे हैं ताकि टाइफॉइड और पैरा टाइफॉइड दोनों हम लोग इसमें समझ सकें। साइन एंड सिम्टम्स, डॉक्टर देखेंगे तो साइन होगा, पेशेंट खुद बता रहा होगा तो सिम्टम है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर कंप्लेन साइन भी हो सिम्टम भी हो, ठीक है, जैसे फीवर है। यहाँ पे बहुत ही पेक्यूलियर चीजें आने वाली हैं, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग भी है ये। आइए देखते हैं, सबसे पहला साइन अगर हम लोग बात करें तो फीवर ले लेते हैं। फीवर फीवर तो होना ही था, है ना, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बैक्टीरिया बॉडी में गया और फिर वो एंटीजन जैसा बिहेव करेगा, बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा।
यहाँ पे बहुत पेक्यूलियर चीज है फीवर के रिलेशन में। पहली पेक्यूलियर चीज ये है, जो फीवर होगा वो नॉर्मल नहीं होगा अगर वो पैरासीटामोल नहीं खाएगा। फीवर को हम लोग कहते हैं रोज दिनों दिन बढ़ेगा, स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ फीवर। अब स्टेप लैडर क्या है? स्टेप लैडर आप समझते ही हो, आज फीवर इतना आया मान लीजिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, कल ये बढ़ गया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगले दिन और बढ़ गया 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बढ़ गया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज स्टेप लैडर फीवर। धीरे धीरे फीवर आपका बढ़ता ही रहता है, फर्स्ट वीक में फीवर आपका ग्रेजुअली राइज होता रहता है, वी कॉल इट स्टेप लैडर फीवर। चलिए ठीक है, स्टेप लैडर फीवर हो गया, इतना सब लोग समझ पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कहते हैं इस फीवर के साथ एक और पेक्यूलियर चीज है, स्टेप लैडर मतलब आपका जो टेम्परेचर होगा वो डेली अप होता जाएगा, है ना, स्टेप लाइक डेली इंक्रीज इन फीवर, दैट इज अ स्टेप लाइक डेली इंक्रीज इन फीवर। मुझे नहीं लगता इस स्टेप लैडर को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई होगी। दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं, फीवर के साथ लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिसको आप लोग कहते हो रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। चलिए इसकी भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया का ये मतलब है, ब्रैडीकार्डिया नहीं हुआ है, आगे एक टर्म लिखा हुआ है रिलेटिव, ठीक है। अगर हम लोग नॉर्मल हार्ट रेट की बात करें एक एडल्ट की, तो हम लोग कहते हैं चलो ठीक है 60-90 या और सेफर साइड में ले लेते हैं 60-100 पर मिनट। अगर यही हार्ट रेट आपका 60 से कम हो जाए तो हम लोग कहते हैं ब्रैडीकार्डिया है, ब्रैडीकार्डिया मतलब स्लो हार्ट रेट। अगर यही हार्ट रेट आपका 100 से ज्यादा है तो हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया, इरेगुलर हो जाता है तो एरिथमिया कहते हैं उसी को, मतलब यहाँ पे फास्ट हार्ट रेट। ये आपका नॉर्मल हार्ट रेट है, नॉर्मल हार्ट रेट 60-90 होता है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन ठीक है हम लोग सेफर साइड पे लेके 60-100 है। तो अगर किसी का हार्ट रेट बिलो 60 है तभी हम लोग कहते हैं ब्रैडीकार्डिया है, हार्ट रेट किसी का मोर देन 100 है तो हम लोग कहते हैं टैकीकार्डिया है। लेकिन यहाँ पे जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं दैट इज रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, इसका मतलब ही दिस इज समथिंग डिफरेंट, रिलेटिव किसके, फीवर के रिलेशन में। तो हम लोग ये कहते हैं कि बॉडी फिजियोलॉजी फीवर से कुछ रिएक्ट करती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को फीवर होता है मतलब बॉडी का टेम्परेचर ऊपर गया, फीवर का तो सिंपल सा यही मतलब है, इसकी वजह से हार्ट रेट भी इंक्रीज करता है, ठीक है। आपका फीवर मतलब बीएमआर बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फीवर बढ़ा तो इसका मतलब है आपका हार्ट रेट बेस लाइन से 10 बीट पर मिनट इंक्रीज करेगा, मतलब हार्ट रेट आपका 10 इंक्रीज करेगा। 2 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर किसी का बढ़ा तो हार्ट रेट आपका 20 बीट पर मिनट उसके नॉर्मल से इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब पर डिग्री फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर होगा तो 10 हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। जैसे मान लो मेरा टेम्परेचर अभी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो मेरा हार्ट रेट मान लो 100 चल रहा है, अगर मेरा टेम्परेचर बॉडी का 100 हो जाता है मतलब 1 डिग्री बढ़ जाता है तो हार्ट रेट 110 नॉर्मल होगा। फिर अगर मेरा टेम्परेचर हो जाता है 103 तो हार्ट रेट हमारा 130 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर हार्ट रेट शुड राइज बाय 10 बीट पर मिनट। इसी को कहते हैं नोन एज लीबरमीस्टर रूल, इसी को कहा जाता है नोन एज लीबरमीस्टर रूल। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोगों को या किसी को फीवर होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड राइज इन हार्ट रेट होता है, मतलब टैकीकार्डिया होता है।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे फीवर बढ़ेगा और हार्ट रेट कम होगा, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल मैं लेता हूँ, किसी का टेम्परेचर अभी है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। 99 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नॉट फीवर, ये नॉर्मल है। 100 या 100 से ऊपर फीवर होता है, और यहाँ पे हम कहते हैं कि इस पर्सन का जो हार्ट रेट है ये 80 पर मिनट है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 डिग्री बढ़ा देते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इनका हार्ट रेट हो जाना चाहिए 90 पर मिनट। और 1 डिग्री बढ़ा देते हैं 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इनका हार्ट रेट हो जाना चाहिए 100 पर मिनट। ये आपका नॉर्मल है, एज पर कैसा नॉर्मल, एज पर लीबर मिस्टर रूल, है ना। एग्जाम्पल टू लेते हैं जो कि कुछ गड़बड़ है, देखिएगा क्या गड़बड़ है इसमें। एग्जाम्पल टू, इन केस ऑफ टाइफॉइड मैंने क्या कहा, इसी से डायग्नोज कर लोगे, कोई जरूरत नहीं विडाल टेस्ट वगैरह कराने का। यहाँ पे रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया तो हम लोगों ने देख लिया है हार्ट रेट आपका कम हो, लेकिन रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया क्या है ये अभी देखते हैं। यहाँ पे अब आप लोग देखिए, अगर मैं कहूँ किसी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टाइफॉइड वाले पर्सन का 99 है, इसका हार्ट रेट 80 पर मिनट है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ, हार्ट रेट हुआ 85 पर मिनट। होना कितना चाहिए था, 100 पर मिनट होना चाहिए था, तो यहाँ पे चलिए 101 कर लीजिए, आपका हार्ट रेट हो गया 90 पर मिनट। यही आपका है, जितना हार्ट रेट बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। तो यहाँ पे पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर हार्ट रेट इंक्रीजेस ओनली बाय 5 बीट पर मिनट, कितना इंस्टेड ऑफ 10। तो हम लोग अगर किसी टाइफॉइड के पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो टेम्परेचर के साथ अगर केवल उसका हार्ट रेट रिलेट कर लें तो भी हम लोग कुछ हद तक फिगर आउट कर सकते हैं कि इसको टाइफॉइड ही है, मलेरिया नहीं है, हेपेटाइटिस नहीं है, बॉडी में एब्सेस नहीं है, डेंगी नहीं है, इट मे बी अ केस ऑफ टाइफॉइड फीवर सिंपली बाय एग्जामिनिंग पेशेंट्स हार्ट रेट एंड कंपेयरिंग इट विद आपका फीवर। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। हार्ट रेट कम नहीं हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है, रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ही ऐसे फीवर होते हैं जैसे टाइफॉइड, ब्रूसेलोसिस, दो चार और होते हैं जिनमें ये फेनोमेना मिलता है, ठीक है। तो ये आपके डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज यहाँ पे देख लेते हैं लेक्चर खत्म करने से पहले, हम लोग बहुत देर से पैथोजेनेसिस वगैरह यहाँ पे देख रहे थे। यहाँ पे दो चीज हम लोग जिक्र कर रहे थे, एक तो पेन एब्डोमेन, दूसरा हम लोग कॉन्स्टिपेशन, तीसरा हम लोग वाटरी स्टूल मतलब डायरिया। तो यहाँ पे जो दूसरी मेन कंप्लेन होती है उसको हम लोग कहते हैं पेन एब्डोमेन। सेकेंड चीफ कंप्लेन जो होती है आपके पेशेंट की, पेन एब्डोमेन। अगर आप ऐसे इंसान का पेट टच करोगे, पैल्पेट करोगे, तो उसको पेन होगा, हम कहते हैं एब्डोमिनल टेंडरनेस प्रेजेंट। तो पेन एब्डोमेन तो होगा ही, है ना, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ इंटेस्टाइन। अब आप लोगों ने देख लिया था पेन एब्डोमेन के साथ दो चीजें और होंगी, एंड ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट, जब हम लोग ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट की बात करते हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट को डायरिया हो गया, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए, मतलब नॉर्मल से ऑल्टर कर जाए, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया, देख लेते हैं इसको भी। ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट को भी हम लोग दो पार्ट में ले लेते हैं, ज्यादातर मोस्ट कॉमनली यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होता है। मोस्ट कॉमनली क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, हार्ड स्टूल्स हो पहली बात, और लेस देन 3 स्टूल्स कब तक, पर वीक, एक हफ्ते में केवल
तीन या तीन से कम टाइम वो स्टूल करे, लेस देन थ्री टाइम्स पर। और क्यों होगा ये? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस। लिख लेते हैं, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस। हम लोगों ने देखा था जो इंटेस्टाइन का लिम्फोइड टिश्यू होता है उनको हम लोग पेयर्स पैचेस कहते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपका सम टाइम्स आपका डायरिया होता है। डायरिया कब कहते हैं हम लोग किसी को? दिन भर में तीन बार से ज्यादा स्टूल हो और लूज हो, है ना, लूज स्टूल्स। और यहाँ पे पर वीक था, यहाँ पे मोर देन थ्री स्टूल्स पर डे। दिन भर में तीन बार से ज्यादा स्टूल हो और लूज या वाटरी इनकंसिस्टेंसी हो। और यहाँ पे हम लोग किस टाइप का बात बताते थे इसी को? पी सूप, पी सूप स्टूल्स, है ना, जिसको हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? लूज एंड ग्रीनिस, लूज एंड ग्रीनिस स्टूल्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है इन्फ्लेमेशन की वजह से सीक्रीशंस बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली जब भी टाइफाइड के पेशेंट को हम लोग इवेलुएट करते हैं तो ये एक तो चेंज इन बॉवल हैबिट, पेन एब्डोमेन, फीवर, सब में आपका बड़ा ही टिपिकल पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह देते हैं देयर इज पेन एब्डोमेन अलोंग विद ऑल्टर्ड बॉवल हैबिट्स एंड फीवर। फीवर कैसा होता है आपका? स्टेप लैडर फीवर होता है। ये तो पहली चीज हम लोगों ने देख ली थी, स्टेप लैडर फीवर। सेकेंड चीज हम लोगों ने देख लिया था रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। ये दोनों डायग्नोसिस बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इतना ही क्लिनिकल फीचर नहीं है, और भी कुछ क्लिनिकल फीचर्स हैं जिनको देख के या पेशेंट को एग्जामिन करके या उसकी बात सुन के, हिस्ट्री लेके आप लोग बता सकते हैं कि टाइफाइड है कि कोई और फीवर करा सके। एंट्रिक फीवर, एंटीरॉन का मतलब होता है गट, इसका मतलब गट का फीवर है, इंटेस्टीन का फीवर है। प्राइमरली देर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टीन। और अगर देखा जाए तो आपका फीको ओरल रूट से जाएगा तो इंटेस्टीन के पास जब पहुंचेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ आपका इम्यून मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होगा। चलिए, एंट्रिक फीवर एक कंपोजिट टर्म है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स टाइफॉइड एंड पैरा टाइफॉइड फीवर। इसीलिए कहते हैं एंट्रिक फीवर इज बेटर टर्म, इससे पता भी चल रहा है कहाँ का फीवर है, इंटेस्टीन का फीवर है या इन्फ्लेमेशन है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफॉइड और साल्मोनेला पैरा टाइफी ए एंड बी से पैरा टाइफॉइड। दीज आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई। रूट ऑफ ट्रांसमिशन आपका जो है दैट इज फीको ओरल रूट। अब फीको ओरल रूट मतलब फीकल ओरल रूट, किसी के फीसेज में ये बैक्टीरिया डिस्पर्स हो और कहीं वाटर और फूड को कंटामिनेट करें और कोई इसी कंटामिनेटेड वाटर और फूड को इंजेस्ट कर ले या ड्रिंक कर ले। तो ये कहाँ से आते हैं? टाइफॉइड कैरियर से आएंगे या जिसको टाइफॉइड डिजीज है वहां से ये वाटर और फूड को कंटामिनेट करेंगे। और हम लोग अगर यही वाटर फूड इंजेस्ट कर लें तो ये बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे इंटेस्टीन में और इन्फ्लेमेशन कराएंगे। जाहिर सी बात है जब इन्फेक्शन होगा तो फीवर आ सकता है, हम लोग कहते हैं एंट्रिक फीवर। चलिए आगे चलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन बॉडी में एंटर करता है उसके कितने दिन के बाद आपको सिम्टम आने लगता है, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड इज ऑलमोस्ट 2 weeks, दैट इज 10 to 14 days। टाइफॉइड कैरियर के बारे में काफी बात की जाती है, ठीक है, इन लोगों में डिजीज नहीं होती इसलिए ये कभी ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, दे रिमेन मोस्टली एसिम्टोमेटिक। तो एसिम्टोमेटिक होंगे तो कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया बॉडी में जाके फ्लरिश करेगा, तो इसका जो नेचुरल हैबिटेट होता है दैट इज गॉल ब्लैडर। तो ऐसे लोगों का जो गॉल ब्लैडर होता है वो एक्ट करता है एज ए रिजर्वायर। गॉल ब्लैडर का जो भी सिक्रीशन होगा वो इंटेस्टीन में जाएगा, इंटेस्टीन से स्टूल में। तो ये जो कैरियर्स होते हैं ये हमेशा स्टूल के रास्ते बैक्टीरिया को शेड करते रहते हैं, और अगर यही आपका फूड और वाटर कंटामिनेट कर जाए तो आपको भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैथोजेनेसिस की बात की थी बहुत ही शॉर्ट में। बैक्टीरिया फूड और वाटर से हमारे इंटेस्टीन पहुंचा, इंटेस्टीन में भी कुछ लिम्फोइड टिश्यू होते हैं ना, इम्यून सिस्टम के पार्ट। तो जो इंटेस्टीन का लिम्फोइड पैच होता है उसको हम लोग पेयर्स पैचेस कहते हैं। तो यहाँ पे पेयर्स पैचेस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। पेयर्स पैचेस का इन्फ्लेमेशन होगा तो आपकी इंटेस्टीन
ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, जो ल्यूमेन है वो नैरो हो सकता है, इसी की वजह से पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे फीचर भी आ सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि स्टूल अब आपके इजिली पास नहीं होंगे, तो अगर 3 टाइम से कम कोई स्टूल पास करे तो हम लोग उसी को कहते हैं पर वीक कॉन्स्टिपेशन और स्टूल्स हार्ड हो। दूसरी तरफ हम लोग देख लेते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकोसा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस हो सकता है, कुल मिला के इंटेस्टीन का इन्फ्लेमेशन है तो पेन तो आना ही है, पेन एब्डोमेन तो होना ही है। टिश्यू डैमेज होगा, यहाँ पे कुछ सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। नेक्रोसिस होगा, पूरे इंटेस्टाइनल वॉल आपकी नेक्रोस हो जाएगी तो इंटेस्टिनल परफोरेशन मिलेगा जिसकी वजह से पेरिटोनियम का भी इन्फ्लेमेशन मिल जाएगा, क्योंकि जो भी आपके इंटेस्टाइनल जूस होंगे वो टॉक्सिक होंगे पेरिटोनियम का, वहां पे इन्फ्लेमेशन करा देंगे, हम लोग कहते हैं पेरिटोनाइटिस। यहाँ पे जो डायरिया होगा इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन की वजह से वो ग्रीनिश होगा, है ना, तो हम लोग कहते हैं पी सूप स्टूल्स। और कल हम लोगों ने साइन एंड सिम्टम स्टार्ट किए थे, तो कुछ तो साइन एंड सिम्टम हम लोग इसी पैथोजेनेसिस से देख ले रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है ना, पेन एब्डोमेन हो सकता है, फीवर ऑफ कोर्स इन्फेक्शन है तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पहला सिम्टम लिया था, जो पेशेंट बताता है वो सिम्टम होता है, जो हम देखते हैं दैट इज साइन, स्टेप लैडर पैटर्न। ठीक है, अगर पेशेंट ने कोई पैरासीटामोल नहीं लिया या पैरासीटामोल के बाद भी पहले दिन उसने 100 डॉक्यूमेंट किया, सेकेंड डे उससे ज्यादा डॉक्यूमेंट किया, तो ये और ज्यादा भी हो सकता है। मैंने स्टेप लैडर दिखाने के लिए 1-1 डिग्री ले रखा है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से राइजिंग ट्रेंड होगा, पहले वीक में कम फीवर होगा, सेकेंड वीक में आपका 102-104 आने लगेगा, उसके बाद पेशेंट और क्रिटिकली इल भी होने लगेगा और ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगेंगे अगर आपने पेशेंट को ट्रीट नहीं किया। यहाँ पे फीवर के साथ एक पेक्यूलियर चीज ये है कि फीवर के साथ नॉर्मली हार्ट रेट बढ़ता है, अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर बढ़ा है तो 10 पर मिनट हार्ट रेट बढ़ेगा, है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है कि किसी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर देर विल बी राइज इन हार्ट बीट ऑफ 10 बीट पर मिनट, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा है नॉर्मल जो अपना हार्ट रेट होता है दैट इज 60 to 100, उससे कम हो गया ब्रेडीकार्डिया, उससे ज्यादा हो गया टैकीकार्डिया। यहाँ पे भी आपका अगर फीवर बढ़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन ये आपका लीबर मिस्टर रूल है, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। जैसे हमने कहा फीवर 99 है, हार्ट रेट 80 है, फीवर 100 होगा तो हार्ट रेट 10 बढ़ जाएगा, फीवर 101 होगा हार्ट रेट 10 और बढ़ जाएगा। लेकिन टाइफाइड के केस में अगर आपका हार्ट रेट 1 डिग्री बढ़ा है तो हार्डली 5 बीट पर मिनट इंक्रीज होता है, दैट इज नोन एज रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। एक्चुअल ब्रैडीकार्डिया नहीं है, लेकिन फीवर के रिलेशन में जितना हार्ट रेट बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, तो वी कैन से रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। पेन एब्डोमिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस हो रखी है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें पेन एब्डोमेन के अलावा जो सेकेंड सिम्टम है दैट इज ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। मैं ना डायरिया कह रहा हूँ ना कॉन्स्टिपेशन कह रहा हूँ, अगर आप ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट कहते हो तो इट इंक्लूड्स बोथ डायरिया एज वेल एज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है स्टूल पैसेज की जो फ्रीक्वेंसी हो वो लेस देन 3 पर वीक हो और स्टूल हार्ड हो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ पेयर्स पैचेस। डायरिया भी हो सकता है, डायरिया का मतलब है किसी को स्टूल ग्रेटर देन 3 टाइम्स पर डे हो और स्टूल की कंसिस्टेंसी लूज हो। पी सूप, पी वाटर या लूज ग्रीनिस स्टूल्स, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस। आइए कुछ चीजें और देखते हैं। आपके फर्स्ट वीक पे टूवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वीक ट्रंक और एब्डोमेन पे रेडिश रैसेस मिलते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रोज स्पॉट्स। अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होता है तो हम लोग इस चीज को विजुलाइज कर पाते हैं, रोज स्पॉट्स एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक टिल सेकेंड वीक रेडिश रैसेस अपीयर ओवर ट्रंक एंड एब्डोमेन नोन एज
रोज स्पॉट्स, रोज शायद रेड होते हैं तो इसको पिंक या रेड लिख लेते हैं, रोज स्पॉट्स। ठीक है, एक तरीके से ये आपके टाइफाइड की डायग्नोसिस को क्लिनिकली और हेल्प करेंगे, रोज स्पॉट्स। तो यहाँ पे एक निमोनिक लिखना जरूरी है, कुछ बच्चों को शायद ना आइडिया हो। निमोनिक, निमोनिक से लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, बस ये याद रखना होता है किस चीज का निमोनिक हमने बनाया है। पता लगा यही भूल गए किस चीज का निमोनिक था, तब तो काम हो गया। यहाँ पे हम लोग कहते हैं फीवर विद रैसेस का निमोनिक है ये, और फीवर एंड रैसेस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ रैसेस आफ्टर फीवर अपीयर्ड। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मतलब कितने दिन बाद रैस आया है ना, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम फीवर आफ्टर विच रैसेस अपीयर्ड। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहली चीज ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग कहें अपीयरेंस ऑफ रैस आफ्टर फीवर, तो यहाँ पे अगर हम लोग कहें आपका, तो एक निमोनिक जो है ये है वेरी सिक पेशेंट्स मस्ट टेक डबल टेबलेट्स, मस्ट टेक डबल टेबलेट्स। तो ये एक रफ आइडिया दे देता है, अगर मैं कहूं किसी को रेस पहले दिन आ गया, फर्स्ट डे रेस, मतलब आज ही फीवर आया है ना, और उसी दिन रेस आ गया। वी फॉर वेरी, वी फॉर वेरी सेला, वेरी सेला आप लोग समझते हो चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। वेरी इजी, सिक का मतलब है यहाँ पे एस ले लेते हैं, सेकेंड डे रेस, सेकेंड डे रेस अक्सर स्कारलेट फीवर में आता है, सेकेंड डे रेस स्कारलेट फीवर। फिर और हम लोग आगे जाते हैं, एस यहाँ से ले लिया है, पेशेंट्स स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, अब नहीं होता है, ये एक्सटिंक्ट हो गया 1975 के बाद, हम लोग नहीं थे शायद तब। थर्ड डे रेस पॉक्स मतलब स्मॉल पॉक्स, ये गायब हो चुका है। कुछ लोग इसी को बड़ी माता बोलते थे, और हिंदी के टर्म्स बहुत ज्यादा मुझे नहीं आइडिया है। मस्ट का मतलब है मीजल्स, अक्सर बच्चों की डिजीज। फोर्थ डे रेस, इससे आप कई टॉपिक पढ़ ले रहे हो, खासकर ज्यादातर इन्फेक्टिव टॉपिक्स। मीजल्स, मीजल्स इज खसरा। ठीक है, चलिए। टेक का मतलब है टाइफस फीवर, फिफ्थ डे टाइफस फीवर, आगे चल के पढ़ाएंगे टाइफस फीवर। डबल का मतलब है डेंगी में भी रैसेज आते हैं, क्योंकि प्लेटलेट कम होने लगते हैं आगे चल के, सिक्स्थ डे। तो इसमें डेंगी की डायग्नोसिस में थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, डेंगी फीवर। यहाँ पे टेबलेट है, तो यहाँ पे हमारे सेवेंथ डे, फर्स्ट वीक के बाद, इसी को हम लोग कह देते हैं सेवेंथ डे, और हम लोग कहते हैं रोज स्पॉट्स टाइफॉइड। ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों में दिखता है, या इसी को कह लीजिए एंट्रिक फीवर। ठीक है, यहाँ पे निमोनिक में फिट हो जाए इसलिए हम लोगों ने टाइफॉइड कर रखा है, टेबलेट एंड टाइफॉइड, टी टी। चलिए थोड़ा सा अब हम लोग जो भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखना आगे देखेंगे, एक बार क्लिनिकल फीचर समराइज कर लेते हैं। ठीक है, आइए, समरी ऑफ क्लिनिकल फीचर्स। आई होप सभी ने फॉलो किया होगा अच्छे से, आप लोगों ने भी रियलाइज किया होगा कि बहुत इजी है। फीवर विद स्टेप लैडर पैटर्न एंड रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, स्टेप लैडर पैटर्न एंड रिलेटिव ब्रैडी कार्डिया, नो कंफ्यूजन। चलिए सेकेंड हम लोग ले लेते हैं, पेन एब्डोमेन, बिल्कुल सही बात है। थर्ड
थर्ड हम लोग ले लेते हैं ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट। ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट में हम लोगों ने देख लिया था मोस्टली आपका कॉन्स्टिपेशन होगा ना मोस्ट कॉमन, और ओकेशनल आपका डायरिया हो सकता है। डायरिया, डायरिया कौन सा? आपका पी सूप स्टूल्स। पी सूप भी आपका ग्रीन होता है, पी सूप स्टूल्स, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। इसके अलावा कुछ रेसेस मिलेंगे। रेसेस में हम कह देते हैं रोज स्पॉट्स। ये तो आपका ऑलमोस्ट स्पेसिफिक हो गया। जब भी किसी को फीवर आएगा तो उसके साथ कुछ जनरल सिम्टम्स आएंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव सिम्टम्स आएंगे, जिनको मैं कह लूँ फीवर है तो नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और आपका लिथार्जीनेस, सुस्त हो सकता है पेशेंट, बॉडी एक हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो ये सब चीजें तो आपके फीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स विद फीवर। अब ये तो किसी भी डिजीज में हम लोग फिट कर सकते हैं, तो इसको अलग से लिख लेते हैं। क्या क्या होता है? बॉडी पेन हो सकता है, बॉडी एक, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग बिल्कुल हो सकता है, नौजिया, लिथार्जीनेस, पेशेंट थका थका सा लग सकता है, लिथार्जीनेस मतलब डल। तो फीवर या किसी को कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज होगी तो कुछ जनरल सिम्टम्स आते हैं जो फीवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो आपके ये सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को वायरल फीवर हम लोग कहते हैं तो ये मानते हैं 1 वीक में ठीक हो जाता है। किसी की इम्यूनिटी खराब है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, लेकिन इन जनरल डेंगी हुआ और टिपिकल वायरल फीवर हुआ तो 1 वीक लास्ट करते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अप्लाई नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, टाइफाइड की बात कर रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी से इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। ये आपका पहले तो इंटेस्टाइन तक लिमिटेड रहेगा, वहीं से ग्रो करेगा और आपके ब्लड में आएगा, सेप्टिसीमिया करा देगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन इन्फेक्टिव क्वांटिटी इन ब्लड इज नोन एज सेप्टिसीमिया। आगे चल के कुछ ऑर्गन को भी डैमेज करना शुरू करेगा, ये सेप्सिस भी करा सकता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड में हम लोग कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग फीवर विद आपका डिटीरियोरेटिंग हेल्थ कंडीशन। अब देखो, हमने इसको 4 वीक में डिवाइड कर लिया। हमेशा टाइफाइड से रिलेटेड बात होती है तो हम लोग 4 वीक में डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइफाइड का फीवर अगर वायरल का इलाज नहीं भी कराते हो, सेल्फ लिमिटिंग होता है, एंटीवायरल तो कुछ देते नहीं हो, 1 वीक में खत्म हो जाता है, ठीक है। बॉडी फाइट कर लेती है, बॉडी इंटरफेरॉन्स जनरेट करती है जो टाइफाइड को न्यूट्रलाइज, सॉरी वायरस को वायरल डिसऑर्डर में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया है, डिजीज हुई, इसका मतलब अपना इम्यून सिस्टम संभाल नहीं पाया। कुछ एंटीबायोटिक दो इनको, आगे चल के देखेंगे कौन सी एंटीबायोटिक देंगे। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सबसे पहले week 1, week 2, week 3, week 4 लिख लेते हैं। week 1, week 2, week 3, week 4 ठीक है। देखा जाए तो 4 to 8 week तक कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन इन जनरल इतनी देर में हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 1 में, यहाँ पे केवल ज्यादातर फीवर एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स हम लोगों ने देख लिए हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है? एसोसिएटेड सिम्टम्स है ना, बॉडी एक और आपका डलनेस, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे पेशेंट की कंडीशन वर्सन होने लगती है, कंडीशन वर्सन्स, फीवर जो होगा वो बहुत ही हाई ग्रेड हो जाएगा, हाई ग्रेड, ठीक है, और कंडीशन पेशेंट की खराब हो जाएगी, बिल्कुल लैक ऑफ एपेटाइट वगैरह होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा लिथार्जी फील करेगा। थर्ड वीक की तरफ आते हैं, थर्ड वीक में हम लोगों ने इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस की बात की थी। इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशंस जैसे हो सकता है यहाँ पे परफोरेशन हो जाए इंटेस्टाइन की, परफोरेशन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, है ना, परफोरेशन हो जाएगा तो आगे चल के पेरिटोनाइटिस हो सकता है,
है ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो भी दिक्कत है ना, स्टूल पास नहीं कर पाएगा। अब फोर्थ वीक में सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, पेशेंट हो सकता है इतना ज्यादा बैक्टीरिया बॉडी में चला जाए, इतना सारा टॉक्सिन हो जाए कि ब्रेन की फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाए, है ना। तो हम लोग इसी को कहते हैं, अगर ब्रेन किसी और ऑर्गन की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो एनकेफेलोपैथी कहते हैं। अगर ब्रेन का ही इन्फेक्शन होता तो हम लोग एनकेफलाइटिस कहते हैं। यहाँ पे हम लोग लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस, लंबा कर लेते हैं इसको, सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस। पहले तो केवल वो डल था, अब हो सकता है पेशेंट आपका अनकॉन्सियस हो जाए या कोमा में चला जाए, तो हम लोग कहते हैं कोमेटोस, है ना, सीएनएस कॉम्प्लिकेशन कोमेटोस। तो यहाँ पे क्यों कोमा में गया है, क्योंकि इसको टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड होने की वजह से इसकी ब्रेन फंक्शनिंग कम अच्छी हो गई है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंट्रिक एनकेफलोपैथी, नोन एज एंट्रिक एनकेफलोपैथी। यहाँ पे इसको स्टीरॉइड देना पड़ेगा, नॉर्मली यहाँ पे स्टीरॉइड का रोल नहीं होता है। अगर आपके एंटीरॉन गट की वजह से ब्रेन नहीं काम कर पा रहा है ना, तो एंट्रिक एनकेफलोपैथी। कभी कभी कुछ लोगों को लिवर फेल हो जाता है, लिवर फेल हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं हिपैटिक इनकेफलोपैथी, राइट। तो यहाँ पे एंट्रिक फीवर की वजह से अगर ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो हम लोग कहते हैं एंट्रिक इनकेफलोपैथी। तो यहाँ से हम लोग देखने लगते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफॉइड, तो मेनली यही आपके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइफॉइड या एंट्रिक फीवर, राइट। तो हम लोगों ने सारे क्लिनिकल फीचर्स और सारे कॉम्प्लिकेशंस इन जनरल देख लिए हैं। अब हम लोग इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, यहाँ पे भी बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं है, दो चार टेस्ट आपको कराने होते हैं, उतने से आप लोग बिल्कुल अच्छे से डायग्नोज कर लोगे। इसके पहले मैं इन्वेस्टिगेशन देखूं एक बार, मैं फिर से इसको रिवाइज कराना चाहूंगा। आइए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहा अगर किसी को जिस दिन फीवर आया है उसी दिन रैश आ जाए तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट डे रैश। उसी दिन रेस आ जाए, आप लोगों को चिकन पॉक्स हुआ भी होगा, है ना, तो जिस दिन फीवर महसूस होता है उसी दिन ढेर सारे वाटरी वाटरी रेसेस आ जाते हैं, जैसे पानी के छींटे पड़ गए हैं, है ना, तो ये चिकन पॉक्स होता है। फोर्थ डे रेस आए, फोर्थ डे बच्चा हो, ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है मीजल्स, खूब ढेर सारे रेस आ जाते हैं, कान के पीछे माउथ के आसपास से शुरू होके पूरी बॉडी पे फैल जाते हैं, दैट इज मीजल्स। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रोज स्पॉट्स की। तो अगर टाइफॉइड होगा किसी को, फेयर कॉम्प्लेक्शन का इंसान है और उसने ट्रीटमेंट फर्स्ट वीक में नहीं लिया, तो 7 डे से एक टिपिकल रैश मिलता है, मैक्यूलोपैपुलर रैश हो सकता है, यू कॉल इट रोज स्पॉट्स, रेड होता है। यहाँ पे जब हम लोग क्लिनिकल फीचर की बात किए थे तो फीवर से हमारा रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, और जो फीवर था वो आपका कैसा था, स्टेप लैडर पैटर्न में। पेन एब्डोमेन की अगर बात करें तो आपका बिल्कुल होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन है। यहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपको कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, क्योंकि पेयर्स पैचेस आपके इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और वो स्टूल के पैसेज को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। वी कैन गेट डायरिया एज वेल, है ना, और किस टाइप की डायरिया, पी सूप स्टूल्स, लूज एंड ग्रीनिश स्टूल्स। निमोनिक भी हम लोगों ने देख लिया, समरी फीवर स्टेप लैडर पैटर्न विद रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया, पेन एब्डोमेन कहीं पे भी हो सकता है पेन, ऑल्टर्ड बॉवेल हैबिट जिसमें हम लोग डायरिया कॉन्स्टिपेशन दोनों ले लेंगे, रोज स्पॉट्स, फिर उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स। यहाँ पे हम लोगों ने टाइफॉइड इलनेस को 1 महीने तक खींचा है, कोई वेल मैनेज ना हो तो ये 2 महीने तक भी चल सकता है। यहाँ पे बात करते हैं वीक 1, वीक 1 में सिंपल आपको फीवर आता रहेगा, अगले दिन और प्रॉब्लम होगी और हाई ग्रेड होगा। सेकेंड वीक तक स्टेप लैडर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये आपका 102 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम लोग कहते हैं अब यहाँ पे पेशेंट क्रिटिकली इल हो जाएगा, ठीक है, खाना पीना बिल्कुल बंद कर देगा। वीक 3 वीक 4 में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, पहले लोकल कॉम्प्लिकेशंस जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा है, परफोरेशन या ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। वीक 4 में और भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे आपके सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेशेंट कोमेटोज हो जाएगा या अनकॉन्सियस हो जाएगा, बहुत डल हो जाएगा, है ना, हो सकता है मेमोरी वगैरह चली जाए, तो हम लोग यहाँ पे इसी को कहते हैं ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हो गया है सेकेंडरी टू एंट्रिक फीवर, वी कॉल इट एंट्रिक एनकेफलोपैथी।
मेरे ख्याल से इतना बहुत है आपको एक टाइफाइड डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकली। अब हम लोग देख लेते हैं आपका इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कैसे सपोर्ट करेंगे यहाँ पे देखते हैं। ये तो और ही इजी है, आप लोगों ने कई बार विडाल टेस्ट वगैरह कराया होगा। चलिए कोई अलग कलर पकड़ते हैं आज, इसको ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशंस इन डेंगी, इन्वेस्टिगेशंस डेंगी नहीं सॉरी, इन टाइफॉइड या एंट्रिक फीवर, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर किसी को इंटेस्टीन में इन्फेक्शन हुआ है और आगे चल के ये इंटेस्टीन की म्यूकोसा में गया, फिर उसके बाद सब म्यूकोसा गया, फिर उसके बाद पेयर्स पैचेस के बाद गया, उसके बाद ब्लड में डिसिमिनेट हुआ, राइट। तो यहाँ पे हमें कुछ न कुछ बॉडी में एंटीबॉडीज मिलेंगी जो कि इसी बैक्टीरिया के रेस्पॉन्स में बनी होंगी। अगर एक लेवल से ज्यादा ये एंटीबॉडी टाइटर है, इसका मतलब डेंगू सॉरी टाइफॉइड इन्फेक्शन टाइफॉइड डिजीज में कन्वर्ट हो गया है, बॉडी उसे कंटेन नहीं कर पाई, पेशेंट को डिजीज है। तो यही हम देखेंगे कितना एंटीबॉडी का लेवल हो, तब हम कह सकते हैं किसी का टाइफॉइड पॉजिटिव है। उसके लिए हम लोग विदाल टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने ताजा ताजा इसको डिवाइड किया था 4 वीक में, 4 वीक में। पहले वीक में फीवर बढ़ते बढ़ते पेशेंट सीरियस हो गया, 3rd वीक में इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, 4 वीक में आपका क्या होता है सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस मिलने लगते हैं। यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग इन्वेस्टिगेशन को भी डिवाइड करते हैं। बेसिक्स, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की बात करें फिर से आपका 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक। 1st वीक, 2nd वीक, 3rd वीक, 4th वीक। तो जब भी हम बात करते हैं आपके टाइफॉइड की या एंट्रिक फीवर का, तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, दैट इज कल्चर। आपने ब्लड से बैक्टीरिया लिया और उसको उस कल्चर मीडियम से ग्रो करा दिया, अगर वो ग्रो कर गया तो इसका मतलब है कि हाँ उस कल्चर मीडिया में केवल टाइफॉइड ग्रो करता था और यहाँ टाइफॉइड का बैसिलाई ग्रो कर गया, तो टाइफॉइड कंफर्म है क्योंकि आपने उसी बैक्टीरिया को ग्रो करा के देख लिया, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आपका बैक्टीरिया मिलेगा, ठीक है, वो जब से फीवर आ रहा है तब से अलग अलग ड्यूरेशन पे अलग अलग जगह पे मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये ब्लड में गया, तो पहले वीक में ये ब्लड में मिलेगा, 3rd वीक में ये आपका स्टूल में मिलेगा, 4th वीक में ये आपका यूरिन में निकलने लगेगा। तो जब 1st वीक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं ब्लड कल्चर। आपके पास 3 दिन का कोई फीवर लेके आया तो इसमें विदाल टेस्ट नहीं करा सकते हो, यहाँ पे आपको ब्लड कल्चर भेजना पड़ेगा। विदाल टेस्ट अभी एंटीबॉडी उतनी बनी ही नहीं है तो फॉल्स पॉजिटिव आएगा। तो जैसे मान लो आपको भी फीवर आता है, तो अगर आप 3 दिन फीवर आते हुए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको विदाल टेस्ट कराना ही नहीं है, वो आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि अभी वो एंटीबॉडीज जो आप विदाल टेस्ट में ढूंढते हो मिलेंगी नहीं। सेकेंड चीज, 2nd वीक में अब एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडी हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, विडाल टेस्ट से, एंटी बॉडी इन ब्लड। तो इसको हम लोग कैसे पकड़ेंगे, विडाल टेस्ट कराएंगे, एंटी बॉडी इन ब्लड। आगे चल के देखेंगे कौन सी एंटीबॉडी। तो यहाँ पे जो बहुत कॉमनली टेस्ट कराते हैं दैट इज विडाल टेस्ट, ठीक है, अक्सर यही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है जो सबसे इजीली पिक कर लेता है। फिर हम लोग 3rd वीक की तरफ चलते हैं। 3rd वीक में हम लोग यूरिन सॉरी स्टूल कल्चर कराएंगे, स्टूल कल्चर, ठीक है, ब्लड एंटीबॉडी स्टूल। स्टूल में आपका बैक्टीरिया मिलता है 3rd वीक में और 4th वीक में आपके यूरिन में मिलेगा। तो आप लोगों ने इस निमोनिक को कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा, यूरिन कल्चर, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एक निमोनिक और लिखते हैं, निमोनिक बासु। बासु कितना इजी है, 1st वीक में ब्लड कल्चर कराएंगे, 3rd वीक में आपका स्टूल कल्चर कराएंगे, 4th वीक में आपका यूरिन कल्चर कराएंगे, राइट।
और सेकेंड वीक में क्या कराएंगे हम लोग, एंटीबॉडी कराएंगे, सेकेंड वीक में एंटीबॉडी। तो यहां से हम लोगों ने पकड़ लिया है निमोनिक बासु, देखो BASU। तो जो यहाँ पे हम लोगों का पैटर्न होता है डायग्नोसिस का वो यही होता है बासु। ये निमोनिक बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। आगे चल के कुछ एडवांसेस हुए हैं हम लोग, और पहले भी एंटीबॉडी देख सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशनल टेस्ट हैं वो यही हैं आपके। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ब्लड कल्चर कराया फर्स्ट वीक में, थर्ड वीक में स्टूल कल्चर कराया, फोर्थ वीक में आपका यूरिन कल्चर कराया, सेकेंड वीक में जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं जैसे विडाल टेस्ट उसको कराते हैं। तो निमोनिक बासु है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, जिससे बिल्कुल कंफर्म हो जाए, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज कल्चर। कल्चर पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो आप ब्लड का भी करा रहे हो, स्टूल का यू और यूरिन का भी, तो जो बेस्ट होता है दैट इज ब्लड कल्चर। तो अगर आप ऐसे पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं और कल्चर के लिए भेज रहे हैं, तो कब भेजेंगे? उसका सबसे बेस्ट टाइम होता है फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड कल्चर है, अगर फर्स्ट वीक में आप भेज रहे हैं तो ब्लड ले लीजिए, ठीक है। और स्टूल कल्चर कब कराएंगे आप? स्टूल कल्चर कराएंगे थर्ड वीक में बासु के अकॉर्डिंग। यूरिन कल्चर, यूरिन को देखेंगे वहां पे ग्रो कर रहा है कि नहीं बैक्टीरिया, फोर्थ वीक में, है ना। तो ये आपका एक तरीके से गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। हाँ ये है, तो वही टाइफाइड का बैसिलाई जो फीवर करा रहा था, जो डिजीज करा रहा था, वही ग्रो कर गया। हाँ भाई ये तो टाइफाइड है। आगे चलते हैं अब एंटीबॉडी टेस्ट की तरफ। सेकेंड आपके एंटीबॉडी टेस्ट, एंटी बॉडी टेस्ट, ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है एंटी बॉडी टेस्ट। तो जो इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज विडाल टेस्ट। आप लोगों ने देखा होगा विडाल टेस्ट की रिपोर्ट आती है 1:20, 1:40 इस तरीके के डाइल्यूशन में, है ना। तो विडाल टेस्ट में हम एंटीबॉडी ढूंढते हैं। अगर किसी को, मान लो ये पेशेंट है आपका, इसको टाइफॉइड हो रखा है, ठीक है, तो इसकी बॉडी में टाइफॉइड का एंटीजन होगा। इसी के रेस्पॉन्स में बॉडी सिंथेसाइज क्या करेगी? बॉडी सिंथेसाइज करेगी एंटीबॉडी, सिंथेसाइजेस एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी कई चीज के अगेंस्ट बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी ए बी और यहाँ पे एंटी जेन। तो जो देखा गया है, जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है वो कई एंटीजन ऐसे होते हैं, कई कंपोनेंट इस बैक्टीरिया के ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट एंटीजन बनता है, एंटीबॉडी बनता है। एंटीजन कौन कौन से हैं अगर वो जान जाएंगे तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी ढूंढ लेंगे हम लोग। एंटीजन आपका पहला ओ है, जिसको सोमैटिक एंटीजन कहते हो। दूसरा आपका एच एंटीजन है, जिसको फ्लैजेलर एंटीजन कहते हो, फ्लैजेला होता है ना। और उसके अलावा वी आई होता है, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड एंटीजन, पॉलीसेक्राइड एंटीजन। तो जो एंटीबॉडी हम लोग ढूंढते हैं वो किसके अगेंस्ट ढूंढते हैं? वो हम लोग इसके अगेंस्ट ढूंढते हैं, ठीक है। एंटी बॉडी ओ एंड एंटीबॉडी आपका एच, ठीक है। तो अब इन्हीं का हम लोग आगे चल के टाइटर देखेंगे, ठीक है। और ये भी एक एंटीबॉडी है, एंटीजन है, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो हमें इम्यूनिटी देती है जितनी भी देनी बॉडी में रहेगी। तो अगर आपको टाइफाइड आज हुआ है तो एटलीस्ट 6 महीने तक नहीं होगा, क्योंकि वी आई पॉली सैक्राइड एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी ये आपको इम्यूनिटी देगी। इसीलिए जब हम लोग टाइफाइड की वैक्सीन लगाते हैं तो हम लोग इसी एंटीजन को बॉडी में डाल देते हैं, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। तो डिजीज तो नहीं हुआ क्योंकि हमने टाइफॉइड नहीं डाला है बैसिलाई, हमने केवल ये डाला है। ये आपका जो वी आई एंटीजन है, वी आई एंटीजन, इसीलिए इसका यूज कर सकते हैं वैक्सीनेशन में, यूज इन टाइफॉइड वैक्सीनेशन। आगे चल के बताएंगे टाइफॉइड की वैक्सीन होती है जो कि आपको प्रिवेंट करती है टाइफॉइड से, मतलब ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट ढूंढेंगे, ओ और एच, ओ इज सोमेटिक एंटीजन, एच इज फ्लैजुलर एंटीजन, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब कितनी एंटीबॉडी मिले तब हम लोग कहेंगे कि ये आपका डेंगी सॉरी टाइफॉइड पॉजिटिव है। देखते हैं, यहाँ पे हम लोग पेशेंट के ब्लड से हम लोग सीरम निकालेंगे, जो लिक्विड वाला पार्ट है उसमें आपका होगा एंटीबॉडी। अगर पेशेंट को टाइफॉइड हुआ होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटीबॉडी ओ, एंटीबॉडी अगेंस्ट एच एंटीजन, है ना। तो दो एंटीबॉडीज जो हमें देखने हैं। और हम लोग क्या करेंगे, एंटीजन लिए रहेंगे जिसपे पेशेंट का सीरम डाल देंगे। जैसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे हम लोगों ने एंटीजन डाल रखे हैं, है ना, ओ एंड एच एंटीजन। पेशेंट का सीरम इसमें डाल दिया, पेशेंट सीरम, पेशेंट के सीरम में ही आपकी एंटीबॉडी होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी? ओ और एच। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिससे कुछ न कुछ प्रेसिपिटेट बनेगा, एग्ल्यूटिनेट बनेगा, जिसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। इससे होता है एग्ल्यूटिनेशन, ठीक है। ये सब आप लोग पैथो में डिटेल पढ़ोगे। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं किसी का टाइफॉइड पॉजिटिव है तो लोग कहते हैं 1:180 पॉजिटिव है। कैसे ये 1:180 वगैरह होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग कहें किसी का विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, तो जो एंटीबॉडी टाइटर आना चाहिए दैट शुड बी मोर देन 160 एंटीबॉडी टाइटर। 160 से ज्यादा है तभी पॉजिटिव है। चलिए हम लोग एक टाइफाइड की रिपोर्ट यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे टाइफाइड की रिपोर्ट आती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि किसी ने टाइफाइड का टेस्ट कराया, विडाल टेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओ एंटीजन है, ओ एंटीबॉडी है और एच एंटीबॉडी है, ओ इज मोर स्पेसिफिक। और यहाँ पे हम लोग टाइटर लिख लेते हैं, टाइटर्स। तो पहले अगर मैं कहूँ टाइटर 1:20 है, फिर हम लोग कहें टाइटर आपका 1:40 है, मतलब इतना सीरम है इतना उसमें पानी मिला दिया गया, डाइल्यूट करते जाते हैं, कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। वैसे भी आप लोग पैथो में पढ़ोगे 1:80 है, फिर हम लोग कह दें 1:160 है। तो यहाँ पे इतनी एंटीबॉडी बॉडी में रह सकती है। चलो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया। इतना एंटीबॉडी नॉर्मली बॉडी में रहता है, ठीक है। तो ये आपका इतना नेगेटिव है, विदाल नेगेटिव। लेकिन अगर 160 तक पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब विदाल पॉजिटिव है, ठीक है। केवल ओ भी अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग कहेंगे, अगर ये वाला फिगर आपको किसी को मिलता है, 160 के आगे 100 320 भी हो सकता है, 1:320, और ज्यादा आपने पानी मिला दिया है, इसी को हम लोग कहते हैं मोर देन 1/160 टाइटर इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, कंसीडर्ड पॉजिटिव। इसका मतलब आपका ये विदाल पॉजिटिव है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का विडाल टेस्ट देखा होगा, रिपोर्ट जब वो लोग देते हैं तो 1:180 को भी पॉजिटिव दे देते हैं, दैट इज रॉन्ग, 1:160। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या जो बड़े बड़े आपके डॉक्टर होते हैं वहीं से टाइफॉइड का ट्रीटमेंट भी दे देते हैं। ये नॉर्मल है, इतनी एंटीबॉडी टाइफॉइड की आपकी बॉडी में नॉर्मली मिलेगा, क्योंकि टाइफॉइड बैसिलाई इतना रेयर नहीं है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते रहते हैं, बॉडी में एंटीबॉडीज बनती रहती हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये 1:120 क्या है, 1:140 क्या है, 1:180 क्या है। जैसे मान लीजिए पेशेंट का सीरम लिया, रेड से सीरम ले ले रहे हैं, सीरम आपका 1 ml लिया, 1 ml सीरम, इसको डाइल्यूट कर दिया वाटर से, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया, 80 ml आपका डिस्टिल्ड वाटर ले लिया, डिस्टिल्ड वाटर।
अगर इतना डाइल्यूट कर दिया तो इसके अंदर एंटीबॉडी होगी, ये भी डाइल्यूट हो जाएगी, लेकिन तब भी अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी काफी ज्यादा है, अभी भी डाइल्यूट नहीं हुई है ना। तो यहाँ पे भी अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो आपका एग्लूटिनेट बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा, जिसको आप लोग फिगर आउट कर लेते हो एग्लूटिनेट, इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव है। तो 1:1, 1:80 डाइल्यूशन तक आपका यहाँ तक नॉर्मल पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं एक दूसरी कंडीशन ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमने मिलाया 1 ml पेशेंट का सीरम। पेशेंट का सीरम क्यों मिला रहे हैं, यहीं पे तो एंटीबॉडी होगी, हमने इसमें एंटीजन डाल रखा है इस ग्लास में, ठीक है, एंटीजन से कोट कर रखा है 1 ml सीरम, मतलब ये एंटीबॉडी का सोर्स है। एंटीबॉडी कब ज्यादा होगी, जब पेशेंट को क्लिनिकल इन्फेक्शन होगा। इसको फिर से डाइल्यूट करते हैं, यहाँ तक इसको और ज्यादा डाइल्यूट कर लेते हैं, इसको 160 ml वाटर डालते हैं, तब भी आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मिल रहा है और प्रेसिपिटेट मिल रहा है। मैंने कह दिया 160 ml डिस्टिल्ड वाटर, अभी भी एग्लूटिनेशन हो रहा है, इसी को हम लोग कह देते हैं 1:160 टाइटर पॉजिटिव। इसिगेशन की बात करें, इन्वेस्टिगेशन इन एंट्रिक फीवर, तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक्स देखे हैं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। अगर किसी पेशेंट ने एंटीबायोटिक नहीं लिया है तो फर्स्ट वीक में हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगा दैट विल बी ब्लड कल्चर, थर्ड वीक में स्टूल कल्चर देखा था हम लोगों ने, फोर्थ वीक में यूरिन कल्चर। अब यहाँ पे बात आ गई जो सबसे कॉमनली टेस्ट हम लोग कराते हैं, विडाल टेस्ट, ये हम लोग सेकेंड वीक में कराते हैं, राइट। तो एंटीबॉडीज सिग्निफिकेंट अमाउंट में सेकेंड वीक से मिलना स्टार्ट होती हैं, इसीलिए टाइफाइड के केस में अगर आप पहले ही वीक में विडाल टेस्ट कराएंगे, ओ और एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिग्निफिकेंट अमाउंट में पहले वीक में नहीं मिलेगी, तो फॉल्सली आपको हो सकता है टाइफाइड हो, लेकिन यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा विडाल टेस्ट। ये निमोनिक बहुत ही काम का है, बासू, बासू में फर्स्ट वीक में हमने ब्लड कल्चर लिया, सेकेंड वीक में एंटीबॉडी टेस्ट लिया, जो कि कन्वेंशनल एंटीबॉडी टेस्ट विडाल टेस्ट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग टाइफी डॉट भी करा सकते हैं, और फिर उसके बाद थर्ड वीक में स्टूल कल्चर, फोर्थ वीक में यूरिन कल्चर, है ना। यहाँ पे स्टूल और यूरिन में जो बैक्टीरिया सेड होते हैं वो थर्ड और फोर्थ वीक में ज्यादा होते हैं, तो कल्चर पॉजिटिविटी आने के चांसेस ज्यादा है। तो ब्लड कल्चर है, स्टूल कल्चर है, यूरिन कल्चर है, कल्चर करके अगर हमने देख लिया कि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है जिसको सस्पेक्ट कर रहे थे, तो आपकी डायग्नोसिस कंफर्म है। आगे चल के इससे सेंसिटिविटी भी कर सकते हैं कि जो ड्रग दे रहे हैं उससे ये बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड करेगा कि नहीं, है ना। तो इसका एडवांटेज एक और होता है, वी कैन ऑल्सो हैव सेंसिटिविटी प्रोफाइल ऑफ दैट बैक्टीरिया। उसके बाद हम लोग एंटीबॉडी टेस्ट की बात किए, जिसको हम लोग कहते हैं विडाल टेस्ट, ये एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी को हम लोग डिफरेंट डाइल्यूशंस में देखते हैं। अगर बहुत डाइल्यूट कर देंगे तो शायद एंटीजन एंटीबॉडीज कम हो सीरम में और फिर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ना हो पाए। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए एंटीजन और एंटीबॉडी का, बहुत डाइल्यूट कर देंगे तो नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा था बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे लोग टाइफॉइड कैरियर होते हैं या पास्ट इन्फेक्शन होता है या सब क्लिनिकल टाइफॉइड होता है उनको, तो यहाँ पे हमारी बॉडी में कई बार टाइफॉइड हो सकता है, तो कुछ बेसलाइन एंटीबॉडीज हमेशा होती हैं, इसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल जीरो एंटीबॉडी नहीं होती है। 1:80 के डाइल्यूशन में भी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये नॉर्मल है, अगर उसका डबल डाइल्यूशन ले रहे हैं 1:160 या उसके बियॉन्ड 320, है ना, या उसके बाद 660, अगर इतना डाइल्यूट करने के बाद भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो और एग्लूटिनेशन हो, मतलब एग्लूटिनेट बने, तो हम लोग कहेंगे टाइफॉइड विडाल टेस्ट के थ्रू पॉजिटिव है। यहाँ पे हम लोगों ने कहा टाइफॉइड बैसिलाई बॉडी में गया, इट विल बिहेव लाइक एंटीजन और बॉडी रिएक्ट करेगी एंटीबॉडी बना के। मेनली हमारे तीन एंटीजन ऐसे होते हैं जिनसे बॉडी रिएक्ट करती है जिनके अगेंस्ट, ओ इज सोमेटिक एंटीजन, एच इज इन फ्लैजिला तो फ्लैजिलर एंटीजन, वी आई पॉलीसेक्राइड एंटीजन, ये कैप्सूल में है कैप्सूलर, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी कैप्सूलर के अगेंस्ट, इसको हम डिटेक्ट नहीं करते हैं डायग्नोसिस में, इसका यूज करते हैं हम लोग
इस एंटीजन का वैक्सीन बनाने में, क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, अगेंस्ट टाइफाइड। तो हमें देखना है एंटीबॉडी ओ, एंटीबॉडी एच, सोमैटिक एंड फ्लैजुलर एंटीजन। यहाँ पे हम लोगों ने कहा पेशेंट का अगर सीरम लेंगे, सीरम इज रिच इन एंटीबॉडीज, और यहाँ पे एंटीजन को हम लोग टेस्ट ट्यूब में इम्प्रेगनेट किए रहते हैं कि जब भी एंटीबॉडी आएगा इससे रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टिल्ड वाटर से डाइल्यूट करते हैं किसको, सीरम को। अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो कुछ एग्लूटिनेट बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, है ना, हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव कब कहते हैं, जब हमारा ये टाइटर 1:160 भी पॉजिटिव आ जाए, मतलब 1 ml सीरम हो, 160 ml आपका डिस्टिल्ड वाटर हो। तो जब भी आप लोग विडाल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं समथिंग लाइक दिस आपको वहां पे दिखता है, ओ एंटीजन एच एंटीजन, है ना, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी देखते हैं हम लोग। 1:20 डाइल्यूशन में भी मिल सकता है नॉर्मल इंसान में, 1:40 में भी मिल सकता है, 1:80 में भी। इतना एंटीबॉडी बेस लाइन लेवल हो सकता है किसी नॉन एंट्रिक फीवर पेशेंट में भी मिल जाए, लेकिन अगर 160 या इसके बियॉन्ड मिल रहा है, 320 या इसके बियॉन्ड 320 के भी डायल्यूशन में, तो हम लोग कह देते हैं कि अब आपका एंटीबॉडी काफी ज्यादा है, और इतना डाइल्यूट करने के बाद भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है और एग्लूटिनेट बन रहा है, तो हम लोग कहते हैं दिस इज सिग्निफिकेंट टाइटर। तो एनी टाइटर इन एक्सेस ऑफ 1:160 इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, खासकर अगर ओ का हो तो जरूर। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे विडाल टेस्ट पॉजिटिव है, कैसे करते हैं, कैसे मिलाते हैं, फिर वही हम लोगों ने देख लिया, 1 ml सीरम लेंगे, 80 ml अगर वाटर लेंगे, और इसमें भी एग्लूटिनेट बना तो हम लोग कहते हैं 1:1:80 इज पॉजिटिव। लेकिन ये विडाल टेस्ट अगर डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हम लोग कह देते हैं नेगेटिव है। कब से पॉजिटिव मानते हैं, जब 1:160 ml डिस्टिल्ड वाटर हो, 1 ml सीरम हो, और इसके बाद भी आपका एग्लूटिनेशन बने, ठीक है। तो विडाल टेस्ट फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे, एनी टाइटर मोर देन 1:160 मोर देन और इक्वल टू 1:160 डाइल्यूशन इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, खासकर आपका ओ एंटीजन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। तो ये बहुत ही सिंपल था, विडाल टेस्ट यहाँ खत्म हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है 4 वीक में डिवाइड किया है, फर्स्ट वीक में ब्लड टेस्ट, ब्लड कल्चर, सेकेंड वीक में आपका विडाल टेस्ट, थर्ड वीक में, फिर से इसको समराइज कर लेते हैं, समरी, दिस इज योर वीक 1, फर्स्ट वीक, देन यू हैव सेकेंड वीक, देन यू हैव थर्ड वीक, फाइनली फोर्थ वीक। चलिए बासु लिखते हैं, बासु में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ब्लड कल्चर ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, हम लोगों ने पहले मेंशन किया है, एंटी बॉडी टेस्ट, आगे चल के टाइफिडॉट देखेंगे, लेकिन पहले विडाल टेस्ट होता था, एंटीबॉडी टेस्ट। एस फॉर स्टूल कल्चर, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, यू फॉर यूरिन कल्चर, काफी सिंपल है। तो हम लोगों ने 4 चीजों की बात कर ली, ब्लड कल्चर, एंटीबॉडी टेस्ट मतलब विडाल टेस्ट, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर। अब हम लोग और आते हैं, अगर फर्स्ट वीक में किसी में एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी हो तो कौन सी एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग एक बैक्टीरिया बना लें, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सेकेंड टाइफी डॉट टेस्ट, टाइफॉइड से मिलता जुलता नाम टाइफी डॉट टेस्ट, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, बट दिस इज नॉट योर एंटीबॉडी अगेंस्ट ओ एच और वी आई एंटीजन, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट इन फर्स्ट वीक, ठीक है, मोर देन 3 डेज, थर्ड डे बियॉन्ड ये पॉजिटिव आने लगता है। अगर मैं यहाँ पे एक सपोज कर लीजिए, ये आपका बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये फ्लैजिला है,
फ्लैजिला के अंदर आपका एच एंटीजन मिल जाता है, ये आपका अंदर है, इसकी बॉडी में है, वो है सोमैटिक एंटीजन। इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, इसके अंदर वीआई पॉलीसेक्राइड कैप्सुलर एंटीजन। ये एक लाइन डायग्राम है, एक्चुअली बैक्टीरिया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एंटीजन हम लोग देख लेते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसको कहते हैं, ओएमपी, ठीक है। ये एक आपकी प्रोटीन है 50 किलो डेल्टन की, ये सब यूनिट होती है आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये भी एक प्रोटीन है जो कि फॉरेन प्रोटीन है ना, हमारी बॉडी में नहीं है। बैक्टीरिया लेके आएगा तो अपनी बॉडी से रिएक्ट करेगी, कैसे, एंटीबॉडी बना के, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये भी एंटीजन जैसा बिहेव करेगा, बॉडी इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाएगी, बॉडी विल प्रिपेयर एंटीबॉडीज, इसके अगेंस्ट भी आपकी एंटीबॉडीज बनेंगी, ए बी। तो एक्यूट इन्फेक्शन में मान लीजिए उसको अभी एक हफ्ते से फीवर आ रहा है, तो पहले IgM बनेगा, आगे चल के IgG एंटीबॉडी में चेंज हो जाएगा। तो जब जिसको फीवर है अगर उसी समय हम कराते हैं तो हमें IgM मिलेगा, इसका मतलब मौके पे उसे टाइफाइड है, जब वो ठीक हो जाएगा तो उसकी बॉडी में IgG परसिस्ट करेगा, इसका मतलब पास्ट में उसे किसका इन्फेक्शन हुआ है, टाइफॉइड का। तो यहाँ पे IgM एंटीबॉडीज आपकी एक्यूट इन्फेक्शन में, जब वो बीमार है, और IgG एंटीबॉडीज जब वो रिकवर कर लेगा, ठीक है, तो वो IgG में चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं IgM टाइफी डॉट। हम ये IgM डिटेक्ट करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है करेंटली पेशेंट को डिजीज है कि नहीं है, ठीक है। आइए, तो फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है इसको फर्स्ट वीक में भी डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर विडाल टेस्ट करते तो हमें रुकना पड़ता है ना। तो यहाँ पे देयरफॉर IgM टाइफी डॉट कैन बी डन बियॉन्ड थर्ड डे, है ना, बियॉन्ड थर्ड डे, बिकॉज एंटीबॉडीज अगेंस्ट OMP बिकम सिग्निफिकेंट आफ्टर 3 डेज, 2 डेज के बाद सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, थर्ड डे से हम लोग IgM टाइफी डॉट की पॉजिटिविटी देख सकते हैं। अच्छा, ये जल्दी भी टेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है, विडाल टेस्ट 24 घंटे में आता है, ये क्विक टेस्ट होता है। तो अगर फर्स्ट वीक में हमें डिटेक्ट करना है तो IgM टाइफी डॉट, अभी आप लोग रिकॉल करिए, हमेशा टेस्ट पे डिपेंड मत करो, टेस्ट कभी सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है, ऑलवेज क्या कहते हैं, क्लिनिकल पे कमांड रखो अपना, पेशेंट को किस टाइप का फीवर आ रहा था। पेशेंट को अगर कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है और बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब टाइफाइड है ना, और इंटरमिटेंट आ रहा है तो हो सकता है मलेरिया वगैरह आप लोग सोचें, है ना, और बहुत ज्यादा बॉडी पेन के साथ आ रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम कम है, डेंगू सोच सकते हैं, चिकनगुनिया वगैरह सोच सकते हैं, है ना। क्लिनिकल को हमेशा आप लोग थोड़ा सा अपर हैंड दीजिए, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं लैब भेजते हैं, चाहे सैंपल गलत हो गया हो, चाहे उन लोगों ने गलत इंटरप्रेट किया हो, चाहे सैंपल लगाया ही ना हो, रिपोर्ट फर्जी हो, ठीक है, अक्सर ये सब देखा जाता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी आप लोग रिपोर्ट डिस्कस करते हो जो कि कभी कभी इररिलेवेंट टाइप के रिपोर्ट्स लगते हैं। तो कुल मिला के इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने देख लिए हैं। एक और चीज यहाँ पे है, हम CBC भी कराएंगे यहाँ पे, जो हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट और करेगा। आइए देखते हैं कंप्लीट ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट की बात करें तो थोड़ा बहुत इस बैक्टीरिया की वजह से बोन मैरो डिप्रेस होता है, जिसलिए टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अक्सर बैक्टीरियल इंफेक्शन में ज्यादा होता है, वायरल में TLC कम होता है, लेकिन यहाँ पे भी ये एक्सेप्शन है।
ये भी बोन मैरो को थोड़ा सा डिप्रेस करता है। आपको पता है बोन मैरो ही आपकी ब्लड सेल्स को बनाता है। तो एक बेसिक यहाँ पे लिख लेते हैं, साल्मोनेला टाइसी एंड इवन पैरा टाइसी डिप्रेसेस द बोन मैरो, डिप्रेसेस द बोन मैरो, देयरफॉर सेल काउंट डिक्रीजेस, मेनली आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज। तो इसीलिए जब यहाँ पे आप कराते हैं, आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन आपका थोड़ा सा कम मिल सकता है, ऐसे तो कहीं ब्लीड होता नहीं है। हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे होगा और आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कम होगा, 4,000 to 11,000 ये आपके नॉर्मल होते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बिलो 4,000, है ना, 4,000 से कम मिल जाएगा। तो जो आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं वो डिफरेंट टाइप से सिंथेसाइज होते हैं बोन मैरो में, और जो लिम्फोइड होते हैं वो अलग सिंथेसाइज होते हैं। अगर हम लोग बोन मैरो की बात करें तो बोन मैरो में दो सीरीज होती है, एक लिम्फोइड सीरीज होती है, लिम्फोइड सीरीज, और दूसरी आपकी माइलोइड सीरीज। माइलोइड सीरीज से आपके बनते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। लिम्फोइड सीरीज से आपके लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ठीक है, टी और बी लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो जो आपका ये टाइफॉइड बैसिलाई होता है बोन मैरो को कुछ ऐसा डिप्रेस करता है कि इनका लेवल कम हो जाता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइसी एफेक्ट्स किसको, माइलोइड सीरीज को, माइलोइड सीरीज को। इसका मतलब लिम्फोसाइट्स आपके ज्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में आपके क्या क्या आते हैं, डब्ल्यूबीसी में आपके न्यूट्रोफिल, इसनोफिल और क्या कहते हैं आपके बेसोफिल। इसके अलावा लिम्फोसाइट्स भी डब्ल्यूबीसी में ही हम लोग काउंट करते हैं, लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग पॉलीमॉर्फ बोलते हैं क्योंकि इनका शेप वगैरह डिफरेंट टाइप के होते हैं और ये फेगोसाइटोसिस वगैरह भी करते हैं। तो इन्हीं को अगर हम लोग डिफरेंशियल लें तो हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल सेल काउंट, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग करके लें। तो यहाँ पे टोटल करते हैं तो हम लोग कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। और अगर हम लोग अलग अलग लें तो हम लोग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC, डिफरेंशियल ल्यूको साइट काउंट। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे अगर इसको साल्मोनेला टाइसी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब लिम्फोसाइट का नंबर कम नहीं हो रहा है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के ये कम हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, लिम्फोसाइट कम नहीं हो रहा है। तो जो लिम्फोसाइट का परसेंटेज होता है ये less than 30% होता है, लेकिन अगर ये तीनों कम हो जाएंगे तो इसका परसेंटेज और बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है डीएलसी में रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, क्योंकि आपका जो लिम्फोइड सीरीज होता है वो अनएफेक्टेड होता है ना। तो हम लोग कहते हैं रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस, ये भी नहीं बढ़ा है ना, जैसे रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया था। बिकॉज एस टाइफी यूजली डू नॉट डिक्रीज क्या लिम्फोसाइट्स, बाकी सेल को कम कर देगा तो जिनका परसेंटेज होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल डब्ल्यूबीसी काउंट कम ही रहेगा। डू नॉट डिक्रीज द लिम्फोसाइट्स, इसको मैंने डिटेल में बता दिया क्योंकि नहीं तो आपको रटना पड़ता। सो दैट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। इससे ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा आपकी क्लिनिकल नॉलेज की जरूरत है। फिर से देख लेते हैं एज अ होल जो कुछ भी हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में आज पढ़ा है, फिर उसके बाद चैट सेक्शन में इसको रिवाइज भी करते हैं। आइए देखते हैं कितना सिंपल है टाइफॉइड। आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं कैसे डायग्नोसिस बनेगी, कितना टफ होगा। सो टुडे वी आर स्टडिंग इन्वेस्टिगेशंस इन एंट्रिक फीवर। टाइफॉइड में इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक बेसिक और ये निमोनिक भी है आपका बासु।
फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक. फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर, सेकेंड वीक में एंटीबॉडी टेस्ट, कन्वेंशनल वाला जो विडाल टेस्ट का पार्ट है, थर्ड इज स्टूल कल्चर, फोर्थ इज यूरिन कल्चर. बासु फिर से देख लीजिए, वही आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक. तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक मतलब जब से फीवर आ रहा है ना, तभी तो पता चलेगा तब से टाइफॉइड है या सस्पेक्ट कर रहे होंगे. गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इज ऑलवेज कल्चर. कोई भी कल्चर ले लीजिए, डिपेंड करता है कि किस वीक में आप उस कल्चर को भेज रहे हो. चलिए फिर उसके बाद हम लोगों ने एंटीबॉडी टेस्ट देखा, जिसमें हम लोगों ने विडाल टेस्ट देखा. विडाल टेस्ट में हम लोगों ने एंटीजन एंटीबॉडी को रिएक्ट करवाया. ठीक है, टेस्ट ट्यूब टेस्ट है ये क्विक टेस्ट नहीं है एलाइजा वाला, है ना, कि जिसपे आपका तुरंत रिजल्ट आ जाता है. 24 आवर में इसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं. तीन एंटीजन हम लोग अवेयर थे पहले. एक ओ एंटीजन दैट इज सोमैटिक एंटीजन, यू हैव एच एंटीजन दैट इज फ्लैजुलर एंटीजन, एंड वीआई पॉलीसेक्राइड. ये डायग्नोसिस में हेल्प नहीं कर रहा है, ये हमारा यूजफुल एंटीबॉडी बनवाता है बॉडी में, है ना, जो हमें इम्यूनिटी देता है. ठीक है, फिर उसके बाद ओ एंटीबॉडी एच एंटीबॉडी का कितना लेवल ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि किसी को क्लिनिकली डिजीज होगा, तभी ये इतना रहे, अदरवाइज इससे कम होते ये. यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है, पेशेंट का सीरम लेंगे और उसको हम लोग डाइल्यूट कर देंगे और फिर देखेंगे कितने डाइल्यूशन के बावजूद यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है. अगर 1:160 मतलब 1 ml अगर हम लोग पेशेंट का सीरम लें, 160 ml या 320 ml या आपका 640 ml डिस्टिल्ड वाटर लें और तब भी पॉजिटिव आ रहा हो, पर्टिकुलरली ओ एंटीजन के लिए, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ टाइफाइड पॉजिटिव है, एंट्रिक फीवर पॉजिटिव है. ठीक है, विडाल पॉजिटिव है. इस तरीके से आपने कई बार टाइफाइड की रिपोर्ट देखी होगी. 1:180 में भी लोग टाइफाइड पॉजिटिव लेबल करके दे देते हैं, डॉक्टर्स लोग दवा भी शुरू कर देते हैं बिना मतलब के, दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस. 1:160 इज पॉजिटिव, या 1:320 या उससे ज्यादा डाइल्यूट करोगे तब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है, मतलब वो पॉजिटिव है. यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कैसे हम लोग मिक्स करते हैं, फिर कैसे आगे चल के इंटरप्रेट करते हैं. इससे ज्यादा डीप चीज पैथो वाले बेहतर समझते होंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे फाइनली हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक का एक समरी लिख लिया, आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं. फिर हमने कहा जैसे जैसे चीजें एडवांस हुई, हम लोगों ने देखा एक एंटीबॉडी जल्दी मिलने लगती है. किसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनी है? आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के, OMP. इसको हम लोग पहले वीक में डिटेक्ट कर सकते हैं. ओ वाली एंटीबॉडी डिटेक्टेबल लेवल, एच वाली एंटीबॉडी डिटेक्टेबल लेवल कहीं जाके सेकेंड वीक में मिलेगी. तो गलती से अगर आपने विडाल टेस्ट भेज दिया एक हफ्ते के पहले तो नेगेटिव आना ही है, भले ही उसको टाइफॉइड हो. बट यहाँ पे हमारा टाइफी डॉट टेस्ट हेल्पफुल होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को फर्स्ट वीक में डिटेक्ट कर लेता है. IgM टाइफी डॉट, है ना, M एंटीबॉडी जो होती है IgM, वो एक्यूट इन्फेक्शन में बनती है. किसी को टाइफॉइड आज हुआ है तो आज कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? आज हमारी IgM बनेगी. ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये IgG में कन्वर्ट हो जाएगी. तो अगर क्रॉनिक किसी को प्रॉब्लम है या कोई ठीक हो चुका है, ऐसे लोगों में IgG से हम लोग इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि हाँ उसको टाइफॉइड हुआ था. तो IgM टाइफी डॉट ये बहुत ही फेमस और क्विक टेस्ट है, जल्दी रिजल्ट्स भी आ जाते हैं. फिर उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया CBC, तो हमें बेसलाइन चाहिए होता है, लेकिन इससे हम ये एक्चुअली नहीं बता सकते कि ये टाइफॉइड ही है जब तक हम टाइफॉइड का कल्चर या एंटीबॉडी पर्टिकुलरली देख ना लें. हाँ, लेकिन सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे ये हमें हेल्प कर सकता है ना. यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी बोन मैरो डिप्रेशन भी कॉज करता है. ये बैक्टीरिया बोन मैरो की फंक्शनिंग को कम कर देता है, जिसकी वजह से सारे सेल्स आपके कौन से जो माइलॉइड सीरीज के हैं ये खासकर अफेक्टेड होते हैं. तो बोन मैरो दो तरीके से ब्लड सेल बनाती है, एक लिम्फोइड सीरीज होती है, दूसरी माइलॉइड सीरीज होती है. जो टाइफॉइड बैक्टीरिया होता है माइलॉइड सीरीज को ज्यादा इफेक्ट करता है. तो यहाँ पे WBC तो मैंने लिख दिया है, लेकिन WBC में लिम्फोसाइट्स भी आते हैं. तो मोस्टली WBC जो कि आपके इसनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल है, ये आपका माइलॉइड सीरीज बनाता है. माइलॉइड सीरीज डिप्रेस हो जाएगा तो ये आपके मेजर 70% होते हैं, इसका मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाएगा. लेकिन क्योंकि इन्होंने लिम्फोसाइट को कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, तो लिम्फोसाइट
का परसेंटेज जो कि 30% से कम था वो अब परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा, ना कि लिम्फोसाइट्स एब्सोल्युटली बढ़ जाएंगे। तो हम लोग इसी को कहते हैं डीएलसी में रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स आपके बढ़े हुए मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सपोर्टिव एविडेंस ले सकते हैं कि लिम्फोसाइट का नंबर, लिम्फोसाइट का परसेंटेज ज्यादा हो लेकिन ओवरऑल टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 से कम हो, 4000 टू 11000 नॉर्मल होता है। चैट सेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि ये जो टाइफाइड फीवर है, एंट्रिक फीवर है, ये बेसिकली इट इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। इसका मतलब जो पैथोजन है उसका जो लोकल एरिया है दैट इज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी ठीक हो, जल्दी रिकवर करे, तो इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन कम किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे पेशेंट को जो फूड देंगे वो भी काफी सिंपल फूड देंगे, होम फूड देंगे जो कि इजी टू डाइजेस्ट हो, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहली लाइन, एंट्रिक फीवर, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, एंट्रिक फीवर इज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, है ना, दैट इज एंटीरोन, गट फीवर। तो यहाँ पे हमें गट को रेस्ट देना है ना, तो इसीलिए हम लोग प्रोवाइड सिंपल होम कुक्ड फूड टू द पेशेंट। हम नहीं चाहते कि इंटेस्टाइन पे और ज्यादा लोड हो और क्या कहते हैं पेशेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम और ज्यादा सफर करे, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी वहाँ काफी ज्यादा है। अगर पेशेंट ओरली ले सकता है तो बिल्कुल हम लोग अलाउ करेंगे और सिंपल डाइट्स देंगे, कोई भी बहुत ही स्पेसिफिक डाइट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे पेशेंट को हम लोग एडिक्वेट बेड रेस्ट देंगे, एडिक्वेट बेड रेस्ट। अब हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये एक आपका बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो मेन स्टे ऑफ जो ट्रीटमेंट होगा वो एंटीबायोटिक थेरेपी होगा। वायरल प्रॉब्लम्स होती हैं तो अगर हमारे पास अवेलेबल होते हैं एंटीवायरल तो एंटीवायरल देते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो एंटीफंगल्स देते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी दो टाइप के बैक्टीरिया हैं जो मेनली टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फीवर कराते हैं, दोनों को मिला के हम लोग एंट्रिक फीवर कहते हैं। यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स। आप लोग अवेयर होंगे, है ना, टाइफाइड काफी एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक वाटर बॉर्न, है ना, फीको ओरल रूट से फैलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफी एंटीबायोटिक का जिक्र पहले भी किया था। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि काफी ड्रग से रेजिस्टेंस आ गए हैं, तो हम लोग उन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक को कम यूज करेंगे। पहले हम लोग यूज करते थे क्लोरामफेनिकोल, आज भी अगर उसको यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, बैक्टीरिया उससे सेंसिटिव है और क्योर भी है उससे, लेकिन उसका एक मेजर साइड इफेक्ट है बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा तो पेशेंट में हमेशा के लिए ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होगा वो कम होने लगेगा, पेशेंट में एनीमिया होगा, ल्यूकोपीनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होगा। ऐसा होने से आप लोगों को पता है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट तो है लेकिन यहाँ पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसके। टाइफाइड के केस में कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग होती है बैक्टीरिया की, इसलिए जो ड्रग्स देते हैं हम लोग ये काफी ज्यादा अमाउंट में देते हैं। ठीक है, ज्यादा ड्यूरेशन तक भी देते हैं। थर्ड चीज है, उन ड्रग को ज्यादा प्रिफर करेंगे जो लिवर से मेटाबोलाइज हों और एक्सक्रीट हों। अगर मान लीजिए लिवर या बिलियरी एक्सक्रीशन होगा किसी ड्रग का, तो वो लिवर से गॉल ब्लैडर होता हुआ इंटेस्टाइन और स्टूल में एक्सक्रीट हो जाएगा, तो गॉल ब्लैडर में यहाँ पे रिजर्वायर स्टेट होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसी ड्रग देंगे जो लिवर से एक्सक्रीट हो, बिलियरी एक्सक्रीशन हो, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी। तो हैविंग अंडरस्टूड दिस, हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं, एंटीबायोटिक में ड्रग्स यूजली गिवन इन मैक्सिमम डोज, ड्रग्स
आर यूजली गिवेन इन मैक्सिमम डोज, है ना। हर ड्रग की एक रेंज होती है, यहाँ पे हम लोग अपर रेंज को फॉलो करेंगे। सेकेंड थिंग हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ड्रग विल बी गिवेन फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन, ड्रग्स गिवेन फॉर प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन। ज्यादातर देखा गया है यहाँ पे हमें 14 डेज तक देना पड़ता है ड्रग को, ठीक है। चलिए थर्ड चीज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, वही बात, ड्रग्स एक्सक्रीटेड वाया बाइल, ड्रग्स एक्सक्रीटेड वाया बाइल, बाइल जूस के साथ, है ना, दैट इज हिपैटिक एक्सक्रीशन, हिपैटिक या बिलियरी एक्सक्रीशन। तो कुछ ड्रग्स हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होते हैं, कुछ ड्रग्स हमारे स्टूल में एक्सक्रीट होते हैं। तो अगर लिवर के थ्रू ये ड्रग मेटाबोलाइज होके आगे एक्सक्रीट होगी तो गॉल ब्लैडर से भी गुजरेगी। गॉल ब्लैडर में क्या होते हैं हमारे, यही टाइफॉइड के बैसिलाई डॉर्मेंट स्टेज में छुपे हुए रहते हैं। अगर हम लोग टाइफॉइड फीवर क्योर भी कर देते हैं तो हो सकता है ये आपके रिमेनिंग बैक्टीरिया आगे चल के रिलैप्स करवा दें, है ना। तो टाइफॉइड फीवर काफी बार रिलैप्स भी करता है, इसलिए हमें ऐसी ड्रग देना है ताकि रिजर्वायर स्टेट ना क्रिएट हो, है ना। बिलियरी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन सिंपल है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं, बिकॉज दे किल द बैक्टीरिया इन रिजर्वायर ऑर्गन। रिजर्वायर ऑर्गन यहाँ पे क्या है, रिजर्वायर ऑर्गन यहाँ पे है, रिजर्वायर ऑर्गन दैट इज गॉल ब्लैडर। हम लोगों ने सुना होगा कि टाइफॉइड रिलैप्स करता है क्योंकि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, गॉल ब्लैडर में छुपे हुए होते हैं। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक की बात कर लिया, चलिए बिल्कुल सिंपल है, एंटीबायोटिक्स आर मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट एंड दे शुड बी मेनस्टे ऑफ ट्रीटमेंट। कौन सी एंटीबायोटिक यूज करेंगे, तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि पहले क्या चलती थी, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली क्या ज्यादा प्रैक्टिस में है, और फिर अगर उससे भी काम ना चले तो हम लोग और ऊपर लेवल पे कौन सी एंटीबायोटिक ट्राई कर सकते हैं। तो ये फुली क्योरेबल डिजीज है, अगर हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करेंगे रिलैप्स तो करेगा ही, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी करेगा जैसे इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, सेप्टिसीमिया, है ना, और इसमें मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी भी काफी ज्यादा है इफ नॉट ट्रीटेड वेल। यहाँ पे हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, तो हम लोग पहले यूज करते थे फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक अगेंस्ट टाइफॉइड, है ना, या इन एंट्रिक फीवर, एंट्रिक फीवर। तो आप लोगों को पता है कि पहले क्लोरामफेनिकोल दिया जाता था, आज भी दिया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट बोन मैरो डिप्रेशन, है ना, काफी कॉमन हो गया था, है ना। तो टाइफॉइड को तो हम बाकी ड्रग से भी ठीक कर सकते हैं, तो इस ड्रग को विदड्रॉ कर लिया गया है ना। तो यहाँ पे हम बताते हैं फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग थी दैट इज क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल, ठीक है, ये बैन ड्रग की कैटेगरी में आ गया है, है ना। यहाँ पे हम लोग कहते हैं इट वॉज वेरी इफेक्टिव बट विदड्रॉन बिकॉज इट कॉजेज बोन मैरो डिप्रेशन। पता है आपको बोन मैरो ही सारी ब्लड सेल्स बनाता है, अगर बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा तो पेशेंट आगे और भी प्रॉब्लम से सफर करेगा, है ना, फिर शायद रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़े या हो सकता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना पड़े। तो फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग है वो आपकी क्लोरामफेनिकोल है, नाउ इट इज विथड्रॉन फ्रॉम मार्केट। चलिए सेकेंड जनरेशन पे आते हैं, सेकेंड जनरेशन ड्रग्स आपकी फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं, ये सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। आपको पता है फ्लोरोक्विनोलोन्स वर्क बेटर अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम लोग आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन ड्रग्स पे, सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन ड्रग्स अगेंस्ट एंट्रिक फीवर, ये भी काफी कॉमन दवाएं हैं।
अब ये इफेक्टिव तो थी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन ज्यादातर ड्रग्स ओवर यूज हो चुकी हैं, काफी पहले से यूज हो रही हैं, तो बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गए हैं, ठीक है। तो दे आर इफेक्टिव, बट यहाँ पे क्या है, नाउडेज रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज ड्रग्स, रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज ड्रग्स is seen. तो इसीलिए हम लोग ब्लड कल्चर तो कराते हैं, उसके साथ कल्चर एंड उसके साथ सेंसिटिविटी टेस्ट भी कराते हैं कि बाई चांस अगर इन सेकेंड जनरेशन ड्रग्स जो कि आपकी कौन सी है, फ्लोरोक्विनोलोन्स, इनसे अगर बैक्टीरिया आपका रेजिस्टेंट हो गया है तो हम सिफेलोस्पोरिन की तरफ चलें, जिनको हम लोग थर्ड जनरेशन कहेंगे। यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं, दे आर फ्लोरोक्विनोलोन्स, फ्लोरोक्विनोलोन्स शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं FQs। यहाँ पे दो ड्रग काफी इंपॉर्टेंट हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासीन, ओफ्लॉक्सासीन। अगर पेशेंट ओरली ले सकता है, बहुत क्रिटिकली इल नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको ओरल दें। अगर पेशेंट नहीं ले सकता है तो आईवी दे सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं इंजेक्शन या टेबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासीन, सिप्रोफ्लॉक्सासीन काफी कॉमन ड्रग है मार्केट में। किस नाम से आती है, सिप्लॉक्स नाम से आती है मार्केट में, टेबलेट या इंजेक्शन सिप्लॉक्स नाम से आती है, ठीक है। कोई बहुत कॉस्टली दवा भी नहीं है, बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। मान लीजिए टेबलेट के फॉर्म में पेशेंट ओरली ले पा रहा है तो हम लोग देंगे टेबलेट सिप्लॉक्स 500 मिलीग्राम TDS फॉर 14 डेज। याद रखिएगा टाइफॉइड का ट्रीटमेंट काफी लंबा चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी ड्रग की तरफ चलते हैं, इंजेक्शन और टेबलेट ओफ्लॉक्सासीन, टेबलेट या इंजेक्शन ओफ्लॉक्स नाम से मार्केट में आता है। आइए सेकेंड बात कर लेते हैं हम लोग, टेबलेट या इंजेक्शन ओफ्लॉक्सासीन, ओफ्लॉक्सासीन मार्केट में किस नाम से आएगा, मार्केट में आता है इंजेक्शन या टेबलेट ओफ्लॉक्स नाम से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 400, मान लीजिए ओरल ले पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबलेट ओफ्लॉक्स 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, वन टेबलेट बीडी फॉर 14 डेज। सब कुछ बहुत ही सिंपल है, टाइफॉइड ट्रीट करना सबको आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन देखा था, विदाल टेस्ट, टाइफी डॉट टेस्ट, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर, ये सब चीज देख के क्लिनिकल फीचर से मैच करके हम लोग इजिली डायग्नोसिस भी बना सकते हैं। थर्ड लाइन या थर्ड जनरेशन ड्रग्स की बात करें टाइफॉइड के लिए, थर्ड जनरेशन तो थर्ड जनरेशन में कौन सी ड्रग्स है हमारे पास, सिफेलोस्पोरिन्स है, सिफेलोस्पोरिन्स। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, सिफेलोस्पोरिन्स फोर ग्रुप्स की होती हैं, फोर जनरेशन सिफेलोस्पोरिन खुद ही होती हैं। इनमें से ज्यादातर लीवर से एक्सक्रीट नहीं होती हैं, हिपेटोबिलरी से नहीं होती हैं, ज्यादातर किडनी से एक्सक्रीट होती हैं, है ना, रीनल मैकेनिज्म के थ्रू, रीनल सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे वो ड्रग अगर हम लोग प्रीफर करें जो लीवर से मेटाबोलाइज होके लीवर के थ्रू बिलियरी ट्री के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी, क्योंकि इनमें रिजर्वायर स्टेट बनने के चांसेस कम रहेंगे, मतलब रिलैप्स होने के चांसेस कम रहेंगे। तो मोस्टली यहाँ पे थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के मोनली थर्ड जनरेशन ड्रग्स आर यूज्ड, ड्रग्स यूज्ड। कुछ इसमें ओरल आते हैं, कुछ आईवी आते हैं। पेशेंट ठीक है, रिकवर कर रहा है, तो आईवी के बाद ओरल ये ड्रग दे सकते हैं, या स्टार्टिंग से ही ओरल अगर वो टॉलरेट कर रहा है दे सकते हैं। ज्यादा सिक है, नहीं खा पा रहे हैं, बहुत सीवियर हैं, जल्दी एक्शन चाहिए हमें ड्रग का, तो आईवी दे सकते हैं। यहाँ पे जो ओरल अगर देना है तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है ये है टेबलेट सिफिक्सिन, टेबलेट सिफिक्सिन सिंपल है। मार्केट में टेबलेट जिफी नाम से अवेलेबल है, मार्केट में टेबलेट जिफी। अब देखिए शुरू में हम लोगों ने एक बात कही थी कि यहाँ पे ड्रग को मैक्सिमम डोज में देंगे, मैक्सिमम ड्यूरेशन तक देंगे। टेबलेट जिफी आपकी 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है, तो यहाँ पे
कोई बच्चा भी होगा अगर तो भी हम उसको ज्यादा देंगे डबल डोज में. एडल्ट होगा तो यहाँ पे 2 टेबलेट बीडी देंगे फॉर 14 डेज, 1 टेबलेट नहीं 200 टेबलेट. यहाँ पे ज्यादातर मार्केट में आती है 200 की स्ट्रेंथ में, लेकिन हम कितना देंगे टेबलेट जिफी 400 मिलीग्राम 1 टैब बीडी फॉर 14 डेज, है ना. तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है 400 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम नहीं. यूजली हम लोग जिफी या सिफिक्सिम 200 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में बीडी लेते हैं, यहाँ पे 400 मिलीग्राम बीडी. ठीक है, आइए देख लेते हैं जिफी दिखता कैसा है. मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों ने जिफी यूज भी किया होगा. ये आपका जिफी है, बहुत ही कॉमन मेडिकेशन है. ठीक है, डॉक्टर्स को शौक है जिफी देने का. जिफी मतलब सिफिक्सिम 200 मिलीग्राम टेबलेट है. किसी को टाइफाइड होगा तो 2 टेबलेट बीडी देना है. कितने दिन तक देना है? 14 डेज के लिए. टाइफाइड का ट्रीटमेंट ही है 14 डेज तक. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ओरल दे रहे हैं सिफेलोस्पोरिन तो यहाँ पे जिफी हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है. इफ पेशेंट इज सिक, अगर पेशेंट काफी सिक है, इज वेरी सिक, ठीक है, हमें रेस्पॉन्स जल्दी चाहिए या पेशेंट ओरली नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग इंजेक्शन क्या देंगे? इंजेक्शन सेफ्ट्राएक्सोन देंगे. बाकी और भी इंजेक्शन हैं जैसे सेफ्टाजिडीम, ढेर सारे और हैं, सब काम करेंगे टाइफाइड, है ना, टाइफाइड बैसिलाई के अगेंस्ट. जैसे सिफोटैक्सिम भी है, लेकिन सेफ्ट्राएक्सोन इसलिए यूज करेंगे, सेफ्ट्राएक्सोन आपका बिलियरी ट्री या बाइल से एक्सक्रीट होता है ना. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस इंजेक्शन सेफ्ट्राएक्सोन, इंजेक्शन सेफ्ट्राएक्सोन. थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, केवल इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल होती है. तो यहीं पे ये लाइन लिख लेते हैं कि ये ड्रग आपकी, इसका बिलियरी एक्सक्रीशन होगा, इसलिए आपके रिलैप्स को प्रिवेंट करेगी या कैरियर स्टेट को भी ये ट्रीट कर देगी, है ना. हैज बिलियरी एक्सक्रीशन, बिलियरी एक्सक्रीशन, है ना. देयरफॉर आपका क्या कहती है, प्रिवेंट्स रिलैप्स, प्रिवेंट्स रिलैप्स. कोई कैरियर है तो ट्रीट कर देगा, कैरियर स्टेट गेट्स ट्रीटेड. चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया इंजेक्शन सेफ्ट्राएक्सोन का. सेफ्ट्राएक्सोन भी बहुत ही कॉमन ड्रग है, यूज्ड एंड मिसयूज्ड बोथ. मार्केट में किस नाम से आती है? इंजेक्शन जोन नाम से, या कहीं कहीं इंजेक्शन मोनोसेफ नाम से. ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेंथ में आती है. ठीक है, कोई भी आप एंटीबायोटिक देंगे तो वहां पे सेंसिटिविटी टेस्ट कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है. तो एक इंजेक्शन हम लोग देख लेते हैं. अब बात आ जाती है इसके डोज की. डोज हमेशा, अगर हम लोग टाइफॉइड पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम डोज. तो यहाँ पे कितना देंगे हम लोग? 2 ग्राम आईवी बीडी. पेशेंट रिकवर करने लगेगा तो ये इंजेक्शन बंद करके ओरल सिफिक्सिम पे ले सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट सिक है, ओरली नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग एटलीस्ट 72 आवर्स तक चाहते हैं पेशेंट को आईवी दिया जाए. आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं इंजेक्शन मोनोसेफ, मतलब इंजेक्शन कौन सा है ये है आपका इंजेक्शन मोनोसेफ. ठीक है, मोनोसेफ नाम से आता है और यहाँ पे मैंने 2 ग्राम वाला इंजेक्शन लिया है. तो इंजेक्शन मोनोसेफ कितना देंगे आप लोग? 2 ग्राम आईवी बीडी. जब तक ज्यादा सिक है तब तक आईवी ही देंगे, बाद में ओरल कर सकते हैं. ठीक है, अगर आईवी ही देना पड़ेगा तो बिल्कुल दोगे 14 डेज तक. तो ओरल अगर हम लोग प्रिफर करेंगे सिफेलोस्पोरिन तो हमें जिफी देना है, मतलब सिफिक्सिम देना है ना. और अगर हम आईवी देंगे तो हम लोग यहाँ पे इंजेक्शन सेफ्ट्राएक्सोन देंगे. ठीक है, ढेर सारे और भी सिफेलोस्पोरिन आते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर वो करते हैं जिसको लिवर एक्सक्रीट करे, किडनी नहीं, क्योंकि हमें गॉल ब्लैडर से बैक्टीरिया को क्लियर कराना है ताकि आगे चल के रिजर्वायर स्टेट ना बने और पेशेंट रिलैप्स ना करे. आइए अब हम लोग इतना देख लिए हैं, फोर्थ जनरेशन पे चलते हैं, है ना. फोर्थ जनरेशन एंटी टाइफॉइड एंटीबायोटिक्स लिख लेते हैं. फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, मान लीजिए कोई पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना, ड्रग्स अगेंस्ट एंट्रिक फीवर. फोर्थ जनरेशन की बात हो रही है, मतलब कोई थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन को भी नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा है.
हो सकता है उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस है आपके वो मैक्रोलाइड्स हैं, मैक्रोलाइड्स, ठीक है। मैक्रोलाइड्स आप लोग फार्मा में डिटेल में पढ़ोगे। और यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर एक ड्रग का नाम लें तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन। डिफरेंट नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है, सिरप के फॉर्म में भी अवेलेबल है, कोई बच्चा है। यहाँ पे हम लोग कहें इसको भी डबल डोज में देंगे, जो यूजली हम लोग डोज यूज करते हैं उससे ज्यादा, डबल डोज में, है ना। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात किया था कि हमें टाइफॉइड के केस में ड्रग्स को मैक्सिमम साइड में देना है, मैक्सिमम डोज में। मार्केट में ये किन नेम से अवेलेबल है, मेरे ख्याल से इस दवा को भी सबने यूज जरूर किया होगा कभी ना कभी। मार्केट में ये एजी नाम से अवेलेबल है, एजी थ्राल नाम से अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं कि बस यही तीन नाम से अवेलेबल है, आप जहां रहते होंगे वहां पे डिफरेंट आपके कंपनी के ड्रग्स चलते होंगे। एजीथ्राल एजीवेंट नाम से भी मैंने देखा है, एजीसिप नाम से भी देखा है, एजी एजीथ्राल एजीवेंट, ठीक है। 250 और 500 मिलीग्राम के टैबलेट्स में अवेलेबल है। तो लिख लेते हैं टैबलेट एजी 500 मिलीग्राम। नॉर्मली हम लोग एजिथ्रोमाइसिन ओडी देते हैं 500 मिलीग्राम एडल्ट में भी, यहाँ पे हम लोग बीडी देंगे। इस ड्रग के साथ थोड़ी सी रियायत है फॉर 7 डेज, नहीं क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट मिला है तो मे बी एक्सटेंडेड टिल 14 डेज। तो ये एक ऐसी ड्रग है जो टाइफॉइड की क्लियरिंग को और जल्दी करती है, 14 डेज के बजाय हो सकता है 7 डेज में पेशेंट इम्प्रूव कर जाए, है ना। तो इस तरीके से अगर किसी को टाइफॉइड हो गया है तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कोई कैरियर है टाइफॉइड का उसे भी ट्रीट कर दो वरना वो स्प्रेड करता रहेगा इन्फेक्शन। ये एक ऐसी डिजीज है जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल भी है, तो हमारे पास कुछ वैक्सीन हैं जो इफेक्टिव हैं और इस टाइफॉइड को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, उसकी भी बात अभी कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपली हम लोगों ने बात किया कि यहाँ पे हम लोग टाइफॉइड के ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट ज्यादा सिक नहीं है तो ओरल दे देंगे, ज्यादा सिक है तो आईवी दे देंगे। ड्रग्स को कोशिश करेंगे मैक्सिमम डोज में दें और 14 डेज का ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पे फॉलो करें। फर्स्ट जनरेशन पहले क्या यूज होती थी, क्लोरामफेनिकॉल, लेकिन क्योंकि बोन मैरो डिप्रेशन इसका साइड इफेक्ट है, इसको विदड्रॉ कर लिया गया है। सेकेंड जनरेशन फिर फ्लोरोक्विनोलोन से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, तो अब हम लोग थर्ड जनरेशन ज्यादातर यूज करते हैं। जहां तक फ्लोरोक्विनोलोन की बात रही तो बहुत ज्यादा सिप्रोफ्लॉक्स का यूज होता था और एक अल्टरनेट ओफ्लॉक्स का। टैबलेट इंजेक्शन दोनों फॉर्म में ये इंजेक्शन अवेलेबल हैं, ये मेडिसिन अवेलेबल हैं। पेशेंट की कंडीशन देखते हुए हम लोग दे सकते हैं इंजेक्टेबल या ओरल। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिंस, इनके अगेंस्ट अभी उतना रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे अगर पेशेंट कम सिक है तो ओरल सिफिक्सिम देंगे, जिफी नाम से मार्केट में आती है, डबल डोज में देंगे, मतलब 200 मिलीग्राम बीडी ना देके हम लोग 400 मिलीग्राम बीडी देंगे, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन पे, अगर पेशेंट ज्यादा सिक है हमें जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो हम लोग इंजेक्शन सेफ्ट्राइक्सोन का यूज करेंगे। 1 ग्राम बीडी नहीं देंगे, 2 ग्राम बीडी देंगे इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हम लोगों ने डोज को हायर साइड रखा है। इंजेक्शन जोन या इंजेक्शन मोनोसेफ नाम से आता है। फिर हमारे पास है फोर्थ जनरेशन, है ना, ये हमारे पास सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्रग्स हैं अगेंस्ट टाइफॉइड। तो ये मैक्रोलाइट्स में मेनली आपका एजिथ्रोमाइसिन, नॉर्मली एजिथ्रोमाइसिन एजी एजिथ्राल एजिवेंट नाम से आती है और 500 मिलीग्राम ओडी फॉर 5 डेज लिया जाता है। यहाँ पे ड्यूरेशन तो ज्यादा है ही, 500 मिलीग्राम बीडी, मतलब यहाँ पे 1 ग्राम पर डे, है ना, नॉट 500 मिलीग्राम पर डे। तो यहाँ पे भी हम इसको ज्यादा डोज में ले रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अगर कोई टाइफॉइड का कैरियर है, मतलब उसे खुद को टाइफॉइड डिजीज या सिम्टम के साथ नहीं प्रेजेंट कर रही है, बस वो स्प्रेड कर रहा है, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर स्टेज की बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैरियर स्टेट यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं इंजेक्शन या सॉरी टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग टाइम तक देना होगा। टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसको हम लोग एक्सटेंडेड
ड्यूरेशन तक देते हैं 28 डेज तक, ठीक है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एमोक्सिसिलिन को भी यूज कर सकते हैं एज अ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैरियर स्टेट के लिए, ठीक है, ताकि स्प्रेड ना हो। कुछ लोग सुपर स्प्रेडर्स होते हैं, उनको देना जरूरी होता है, खासकर फूड हैंडलर्स में, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन के केस में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वैक्सीन का रोल, प्रिवेंशन। तो ये एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, टाइफॉइड इज अ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। हम लोगों ने ढेर सारे यहाँ पे एंटीजेंस देखे थे जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन देख रहे थे ना, जैसे सोमैटिक एंटीजन देखा था, ओ एंटीजन, फ्लैजुलर एंटीजन देखा था, एच एंटीजन, उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती थी उनको हम लोग विडाल टेस्ट में डिटेक्ट करके बताते थे कि किसी को टाइफॉइड है कि नहीं है। एक और एंटी एंटीजन की बात किया था जिसको हम लोगों ने कहा था डायग्नोसिस में हेल्पफुल नहीं है लेकिन इम्यूनिटी के लिहाज से हेल्पफुल है। यहाँ पे एक एंटीजन की और बात किया था हम लोगों ने, वी आई पॉलीसेक्राइड एंटीजन। ये एक पॉलीसेक्राइड एंटीजन है। पॉलीसेक्राइड एंटीजन के अगेंस्ट जो बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आपके बहुत ज्यादा एंटीजेनिक नहीं होते हैं यूजुअली, इसी को हम लोग सिंपली कह देते हैं वी आई एंटीजन। काफी सिंपल है। तो बॉडी इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, है ना, इसी को और कहते हैं वी आई कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड एंटीजन, पॉलीसेक्राइड एंटीजन। तो जो आपका ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इसके ऊपर कैप्सूल होगा और इसी कैप्सूल की एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं वी आई एंटीजन। अब अगर ये बैक्टीरिया बॉडी में गया आपके, तो इसके अगेंस्ट बॉडी रिएक्ट करेगी, क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज आपको इम्यूनिटी देंगी। तो इसीलिए इन एंटीबॉडीज का, अगर ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हम अपनी बॉडी में करा लें तो हम लोग इम्यून हो जाएंगे जब तक ये एंटीबॉडी एडिक्वेट टाइटर में हमारी बॉडी में रहेगी, इम्यूनिटी, है ना। तो देयरफॉर वी आई एंटीजन इज used in vaccines। अब यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये सब यूनिट वैक्सीन है। अगर हम किसी की बॉडी में केवल वी आई एंटीजन इंजेक्ट कर दें तो उसको डिजीज तो नहीं होगी, क्योंकि बैक्टीरिया तो गया ही नहीं, डिवाइड नहीं करेगा वहां पे, इन्वेज नहीं करेगा, है ना, इन्फ्लेमेशन नहीं कराएगा। केवल हम लोग इसकी एक वी आई एंटीजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये एक सब यूनिट वैक्सीन है जिसमें वी आई एंटीजन को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर देते हैं और बॉडी उसके लिए इम्यूनिटी बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दो टाइप की वैक्सीन्स होती हैं, वी आई एंटीजन बॉडी में गई और आपने बनाया एंटीबॉडी जिससे अब आप प्रोटेक्टेड हो, किससे, टाइफॉइड से, है ना। तो चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास दो वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक सिंपल वी आई पॉलीसेक्राइड वैक्सीन नंबर वन, वी आई कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। तो जो ये आपके पॉलीसेक्राइड्स हैं, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बो जनरली जो एंटीजन होते हैं प्रोटीन्स होते हैं और वो ज्यादा एंटीजेनिक होते हैं, मतलब बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडी फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका पॉलीसेक्राइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बॉडी में बहुत ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं करा पाएगा, बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, ठीक है, थोड़े दिन में लेस होंगे तो बॉडी से क्लियर हो जाएंगे, लेस अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्म्ड। तो कुछ वैक्सीन होती हैं जो वी आई पॉलीसेक्राइड को सिंपली यूज करते हैं, ठीक है। तो ये वाली एंटी, ये आपकी वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, ये आपके लेस एंटीबॉडीज फॉर्म्ड गेट वॉश्ड आउट फ्रॉम बॉडी इन अप्रोक्सीमेटली थ्री इयर्स, अप्रोक्सीमेटली थ्री इयर्स।
इसी वजह से अगर इस वैक्सीन को हम लोग लगाएंगे, ठीक है, VI polysaccharide वैक्सीन, therefore वैक्सीन has to be repeated every 3 years, है ना, क्योंकि इसकी लाइफ जो है, जो इम्यूनिटी देगा वो 3 years के लिए होगा। यहाँ पे जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा मैसिव नहीं होगा, धीरे धीरे बॉडी वॉश आउट कर देगी इन सारी एंटीबॉडीज को और इंसान फिर से प्रोन हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पहली वैक्सीन आपकी थी VI पॉलीसेक्राइड वैक्सीन, ठीक है, कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड वैक्सीन। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन सी वैक्सीन आती है, कैसे दिखती है। एवरी थ्री ईयर आपको इसे एडमिनिस्टर कराना पड़ेगा। इस वैक्सीन को देखिए, नाम ही इसमें है टाइफिम वी आई, टाइफॉइड के अगेंस्ट VI एंटीजन से बनाई गई वैक्सीन। तो ये आपकी पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है, ये आपकी टाइफिम VI नाम से आती है। और अगर कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो बच्चों में इम्यूनाइजेशन रूटीन होता है। यहाँ पे कितना होगा, हम लोग 2 ईयर पे वैक्सीन देते हैं इसको और रिपीट करते हैं, एडल्ट को भी लगा सकते हैं, रिपीटेड एवरी 3 ईयर्स, ठीक है, काफी सिंपल है। फिर अब हम लोग बात करते हैं टाइफिम VI के अलावा इसको और एफिकेसियस कैसे बनाई जाए। इसको और एफिकेसियस बनाने का तरीका है कि इसको किसी प्रोटीन एंटीजन से क्लब कर दिया जाए, ठीक है, जैसे टेटनस टॉक्सिन के साथ क्लब कर दिया जाए। तो हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेट वैक्सीन। आइए सेकेंड देख लेते हैं, टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, है ना, तो नाम में ही आ गया है TCV। अभी देखेंगे मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं क्लबिंग द VI एंटीजन विद प्रोटीन मॉलिक्यूल मेक्स इट मोर एफिकेसियस विद प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये ज्यादा एंटीजेनिक हो जाता है, मतलब बॉडी में ज्यादा एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराएगा और फिर इससे जो इम्यूनिटी मिलेगी वो ज्यादा एफिकेसियस होगी, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो क्लबिंग द VI एंटीजन विद प्रोटीन मॉलिक्यूल यूजली टेटनस टॉक्सिन के साथ इसको क्लब कर देते हैं। इससे क्या होती है, इसकी एफिकेसी इंक्रीज हो जाती है और बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं रहती है। और इसको अगर बच्चा है तो 1 ईयर पे भी दे सकते हैं, एफिकेसी इंक्रीज कर जाती है। तो हम लोग कहते हैं VI एंटीजन प्लस टेटनस टॉक्सिन, ठीक है, इसको अगर बॉडी में इंजेक्ट कर दो, देखो कहीं बैक्टीरिया नहीं इंजेक्ट कर रहे, डिजीज नहीं होगी, इसको बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो यहाँ पे हाई टाइटर्स ऑफ एंटीबॉडी जनरेटेड या एंटीबॉडी फॉर्म्ड। तो ये मोर एफिकेसियस है और इसको 1 ईयर पे भी दे सकते हैं, रिपीट कराने की जरूरत नहीं होती है या कम पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक और वैक्सीन हमारे पास आ गई जिसको हम लोग कहते हैं TCV कॉन्जुगेट वैक्सीन, है ना। तो यहाँ पे टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, तो आइए देख लेते हैं कैसी दिखती है। ये मार्केट में ये टाइप बार नाम से अवेलेबल है, टाइप बार TCV। इन्होंने हिंट दे दिया है कि ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है, टाइप बार कॉन्जुगेट वैक्सीन है, सिंगल डोज। और अगर कोई बच्चा है, रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए आया है, तो आप लोग इसको 1 ईयर पे भी दे सकते हैं, सिंगल डोज। कोई चाइल्ड है, रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए आया है, दैट ईयर 1, ठीक है, जब 1 साल का होगा तो हम लोग इसको दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि टाइफॉइड एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है। और अगर हम लोग यहाँ पे टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन यूज कर रहे हैं तो ये ज्यादा एफिकेसियस है, क्योंकि यहाँ पे पॉलीसेक्राइड एंटीजन को हम लोगों ने प्रोटीन एंटीजन जो कि टेटनस टॉक्सिन है उसके साथ क्लब कर दिया है। तो बॉडी ज्यादा एंटीबॉडी फॉर्म करेगी और ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहेगा इसका। तो 2 वैक्सीन है, टाइफिम VI और टाइप बार TCV, मतलब एक कॉन्जुगेट वैक्सीन है, एक सिंपल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन है, है ना। कैरियर स्टेज की भी बात कर लिया था और बाकी 4 जनरेशन ऑफ ड्रग्स और देख लिए थे। चलिए, थैंक यू।